Hello everyone, this video is a sample recording from our live streaming classes for GATE and UGC NET. If you want to enroll for the live classes for GATE or UGC NET, please call us on the numbers that is given in this video, or you can also visit our website, which is www.digimentor.com. These live streaming classes are complete comprehensive courses, which is having full thorough coverage of all the previous year question papers as well as the course content for the exam preparation. All the best. Please enjoy the video. Okay. Good evening. Okay. तो कल की क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया था बुलियन इक्वेशन को मिनिमाइज करना. देन हम लोगों ने स्टडी किया था एसओपी फॉर्म एंड पीओएस फॉर्म. ठीक है, तो आज की क्लास में भी हम बुलियन अलजेब्रा को ही कंटिन्यू करेंगे. तो बेसिकली बुलियन अलजेब्रा में जो नेक्स्ट पॉइंट हमें स्टडी करना है आज की क्लास में, वो ये है आपका कि सपोज करो आपको टोटल एन वेरिएबल गिवन है. ठीक है, टोटल आपको एन वेरिएबल गिवन है, तो एन वेरिएबल से आप कितने बुलियन एक्सप्रेशन बना सकते हो. तो आज की क्लास हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, इसी पॉइंट से. तो सपोज करो, यहां पर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं. सपोज करो अगर एन इक्वल टू वन है, मीन्स आपके सिर्फ और सिर्फ वन वेरिएबल गिवन है. तो वन वेरिएबल का एग्जांपल हम ले लेते हैं, फिर ओवरऑल एन के लिए हम एक फॉर्मूला लिख लेंगे. ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखते हो, सपोज करो आपके पास वन वेरिएबल है ए. तो सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि ए से कितने बुलियन एक्सप्रेशन या लॉजिकल एक्सप्रेशन हम बना सकते हैं. तो देखो, ए से हम बना सकते हैं ए. ठीक है, एक एक्सप्रेशन बन जाएगा ए. एक एक्सप्रेशन बन सकता है आपका ए बार. ठीक है, इसके अलावा अगर आप ध्यान से समझोगे तो एक बन सकता है ए इंटू ए बार, और एक बन सकता है आपका ए प्लस ए बार. ठीक है, इसके अलावा भी क्या कोई एक्सप्रेशन बन सकता है? अगर हम ध्यान से इस बात को सोचें, हमारे पास सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल है ए, तो अगर आप सोचोगे तो a इंटू ए, बट a इंटू ए वापस से कितना हो जाएगा, जो हम लोगों ने कल स्टडी किया था, a इंटू ए आपका हो जाएगा a, तो वो सेम रह जाएगा आपका. आपको ऐसे एक्सप्रेशन बनाने हैं कि उनका फाइनल सॉल्यूशन डिफरेंट हो. ठीक है ना, तो आप a इंटू ए नहीं लिख सकते. सिमिलरली आप a प्लस ए भी अगर लिखते हो तो a प्लस ए भी कितना होता है आपका, a ही होता है, तो आप a प्लस ए भी नहीं लिख सकते हो. ठीक है, तो टोटल आपके वन वेरिएबल से आप देख सकते हो चार एक्सप्रेशन बन रहे हैं. और अगर आप लास्ट के टू एक्सप्रेशन को देखते हो तो a इंटू ए बार कितना होता है हमारा, जीरो. कल हम लोगों ने स्टडी किया हुआ है ये. और a प्लस ए बार कितना होता है आपका, वन. तो टोटल जो आपके चार एक्सप्रेशन बनते हैं विथ वन वेरिएबल, वो होते हैं आपके a, a बार, जीरो एंड वन. ठीक है, तो ये आपके टोटल चार एक्सप्रेशन बनते हैं. वैसे ही अगर आप n की वैल्यू टू लेते हो, मींस a कॉमा b लेते हो, तो उनसे भी कुछ एक्सप्रेशन बनेंगे. तो मैंने आपको एक वेरिएबल के लिए एग्जांपल दे दिया है यहां पर. अब मैं जनरलाइज फॉर्मूला आपको देने जा रहा हूं, वो जनरलाइज फॉर्मूला आपको डायरेक्टली एग्जाम में यूज करना है. ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ जो लॉजिकल एक्सप्रेशन बनते हैं आपके विथ n वेरिएबल, वो होते हैं आपके टू की पावर n. ठीक है, तो टू की पावर n लॉजिकल एक्सप्रेशन आपके बनते हैं विथ n वेरिएबल. और जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है n इक्वल टू वन, अगर आप उससे वेरीफाई करना चाहो तो n इक्वल टू वन से टू की पावर वन, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, टू की पावर टू कितना होता है हमारा, फोर. तो आप देख सकते हो n इक्वल टू वन से फोर एक्सप्रेशन हमने बनाए भी थे. ठीक है, तो यह आपका जनरलाइज फॉर्मूला होता है. सपोज करो अगर n की वैल्यू 2 है तो 2 की पावर 2, दैट मींस 2 की पावर 4, 16 एक्सप्रेशन बन जाएंगे. सेम एग्जाम में आपको n की कोई भी वैल्यू गिवन हो, आप अपना आंसर कैलकुलेट कर सकते हो. एग्जाम में आपको एक्सप्रेशंस नहीं लिखने हैं, एग्जाम में सिर्फ आपको बताना है कितने लॉजिकल एक्सप्रेशन बनेंगे. ठीक है, तो ये था आपका टोटल नंबर ऑफ लॉजिकल एक्सप्रेशन. नाउ इस टॉपिक को फिनिश कर लेने के बाद अब हम एक नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे बुलियन अलजेब्रा में, वो है आपका ड्वेल.
ड्वेल फॉर्म, या ड्वेल लॉजिक। तो बेसिकली ड्वेल क्या होता है आपका, तो ड्वेल को समझने के लिए या ड्वेल लॉजिक को समझने के लिए हमें यहां पर सबसे पहले दो लॉजिक समझने पड़ेंगे। एक होता है आपका पॉजिटिव लॉजिक और एक होता है हमारा नेगेटिव लॉजिक। तो पॉजिटिव और नेगेटिव, ये आपके दो लॉजिक होते हैं। अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव लॉजिक अंडरस्टैंड कर लेंगे तो हमें ड्वेल लॉजिक भी समझ में आ जाएगा। तो आप देखो, पॉजिटिव लॉजिक का मतलब क्या होता है कि आप जीरो को लो सप्लाई दे रहे हो और वन को हाई सप्लाई दे रहे हो। जैसे सपोज करो मैंने जीरो को वन वोल्ट दे दिया और वन को फाइव वोल्ट दे दिया, ठीक है। अगर आप वोल्ट नहीं भी समझ रहे हो तो सिंपल सा लॉजिक ये है कि पॉजिटिव लॉजिक मींस मैं वन को बड़ा मान रहा हूं, जीरो को छोटा मान रहा हूं, ठीक है। तो अगर आप जीरो को लो सप्लाई दे रहे हो और वन को हाई सप्लाई, तो इट इज कॉल्ड पॉजिटिव लॉजिक। सिमिलरली अगर आप जीरो को हाई सप्लाई दे रहे हो और वन को लो सप्लाई दे रहे हो, जस्ट मैंने रिवर्स कर दिया, जीरो को मैंने दे दिया फाइव वोल्ट, वन को वन वोल्ट, कोई भी सप्लाई हो, बस आपको क्या ध्यान रखना है, जीरो को हाई वन को लो, तो वो क्या कहलाएगा आपका, नेगेटिव लॉजिक, ठीक है। तो ड्वेल है क्या बेसिकली, ये ड्वेल लॉजिक है क्या, ड्वेल फॉर्म है क्या, ड्वेल फॉर्म है आपका कैलकुलेशन ऑफ नेगेटिव लॉजिक। होता क्या है ना, जितने भी आपने आज तक ऑपरेशन पढ़ रखे हैं अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे, या जो एक्सप्रेशन मैं बोलूं सिंपल लैंग्वेज में आपने याद करके रखे हुए हैं, रट के रखे हुए हैं, वो सारे के सारे आपने पॉजिटिव लॉजिक में याद कर रखे हैं। हमें क्या करना है, हर एक पॉजिटिव लॉजिक का नेगेटिव लॉजिक कैलकुलेट करना है, वही कहलाता है आपका ड्वेल लॉजिक, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। अगर मैं बात करूं सिंपल एंड ऑपरेशन की पॉजिटिव लॉजिक में, तो एंड ऑपरेशन क्या होता है, मैंने कल भी आपको बताया था, जीरो 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 वन, वन जीरो वन वन, तो एंड ऑपरेशन हमारा क्या होता है, जीरो 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 वन, ठीक है। कल भी मैंने क्लास के स्टार्ट में आपको बताया था कि जो एंड ऑपरेशन है आपका, ठीक है, वो क्या होता है कि अगर कोई भी एक जीरो हो तो आंसर क्या आता है, जीरो, जब दोनों वन होंगे तो आंसर क्या आएगा, वन। तो ये जो हम लोगों ने याद करके रखा हुआ है आज तक, वो हमने याद रखा हुआ है पॉजिटिव लॉजिक में, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर बात करूं इसका ड्वेल निकालने की, दैट मींस इसका नेगेटिव लॉजिक निकालने की, तो आप ध्यान से देखो क्या होता है, एंड नेगेटिव लॉजिक, ये क्या होता है आपका, देखो एंड ऑपरेशन करना है, दो वेरिएबल में ही करना है, ठीक है। तो जो दो वेरिएबल हैं उनके चार कॉम्बिनेशन तो सेम रहेंगे, चाहे आप कोई भी लॉजिक यूज करो, पॉजिटिव लॉजिक यूज करो चाहे नेगेटिव लॉजिक यूज करो, मीनिंग सिर्फ और सिर्फ आउटपुट का कैलकुलेशन करने से है और कुछ भी नहीं। तो यहां पर देखो, जैसा मैंने कल भी आपको एक पॉइंट बोला था कि कभी भी वेरिएबल्स को या वैल्यूज को रटो मत, हमेशा उसको थ्योरी के फॉर्म में याद रखने की कोशिश करो, थ्योरी के फॉर्म में। तो यहां पर समझना एक बात को, यहां पर एंड जो आज तक आपने याद कर रखा है वो पॉजिटिव लॉजिक में याद कर रखा है। पॉजिटिव लॉजिक में जीरो आपका क्या होता है, लो, वन क्या होता है आपका, हाई, ठीक है। इसको आप जीरो इंटू जीरो जीरो मत बोलो, इसको आप बोलो जीरो इंटू जीरो को ऐसा बोलो लो इंटू लो, जीरो लो है ना पॉजिटिव लॉजिक में, तो लो इंटू लो आंसर क्या आया, लो। लो इंटू हाई आंसर क्या आया, लो। हाई इंटू लो आंसर क्या आया, लो। हाई इंटू हाई मींस वन इंटू वन, हाई इंटू हाई आंसर क्या आया, हाई। तो सिंपली आप एंड लॉजिक को कैसे दिमाग में रख सकते हो कि अगर कोई भी एक लो होगा तो आंसर लो होगा, अगर दोनों हाई होंगे तभी आंसर क्या होगा आपका, हाई होगा, ठीक है। तो यहां पर आप ध्यान से देखो, हमें यहां पर नेगेटिव लॉजिक लिखना है। नेगेटिव लॉजिक में जीरो हाई है और वन लो है, इसको माइंड में रखना। तो अब देखो, जीरो इंटू जीरो मतलब हाई इंटू हाई, तो एंड में हाई इंटू हाई क्या होता है, हाई होता है, और यहां पर नेगेटिव लॉजिक में हाई कौन है, हाई जीरो है, तो आंसर क्या होगा, जीरो।
ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखो, 0 1 मतलब हाई इंटू लो, तो कोई भी एक लो होता है तो आंसर क्या होता है, लो होता है। अब एंड में लो कौन है, लो 1 है, तो आंसर क्या होगा, 1। अब नेक्स्ट क्या है आपका, लो इंटू हाई, 1 क्या है लो, 0 क्या है हाई, तो लो इंटू हाई आंसर क्या होगा, लो, लो कौन है, 1 है। लास्ट लो इंटू लो आंसर क्या होता है, लो होता है एंड लॉजिक में, और लो कौन है, 1 है। क्लियर अच्छे से? तो अगर आप थ्योरी के फॉर्म में याद रखोगे कि एंड ऑपरेशन का मीनिंग क्या है तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। एंड ऑपरेशन का मीनिंग क्या है, लो इंटू लो लो होता है, लो इंटू हाई भी लो होता है, हाई इंटू लो भी लो होता है, बट हाई इंटू हाई क्या होता है, हाई होता है। अब चाहे हाई आपका 0 हो या हाई आपका 1 हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है। अब हमने यहां पर 12 तो कैलकुलेट कर लिया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब यहां पर सपोज करो, अगर मैं इस स्टेटमेंट को यहां पर, ठीक है, हटा दूं यहां से, या यहां पर आपको शो ना करूं इस स्टेटमेंट को, तो आप देखो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ ये ऑपरेशन दिखाई दे, ए बी वाई, 0 0 पर 0, 0 1 पर 1, 1 0 पर 1, 1 1 पर 1, तो आप सिंपली इसको क्या बोलोगे, और ऑपरेशन बोलोगे, ठीक है। ये सिंपली आपका कौन सा ऑपरेशन होता है, और ऑपरेशन होता है, ठीक है ना। जब 0 0 पर क्या मिले, 0, 0 1 पर क्या मिले, 1, 1 0 पर भी 1, और 1 1 पर भी 1। लेकिन ये कौन सा और होता है, ये होता है पॉजिटिव लॉजिक वाला और। इसका मतलब क्या है कि जो एंड पॉजिटिव लॉजिक है उसका जो ड्वेल होता है वो क्या होता है, और पॉजिटिव लॉजिक। सिंपली हमें प्रूफ ही यही करना था कि एंड का ड्वेल और होता है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, एंड नेगेटिव लॉजिक इज इक्वल टू और पॉजिटिव लॉजिक। तो इससे हमने प्रूफ क्या किया है कि एंड का जो ड्वेल है आपका वो कितना होता है, आपका और होता है। क्लियर है अच्छे से? नाउ अगर मैं आपको एक और एग्जांपल यहां पर दे दूं, उससे आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो यहां पर देखो ध्यान से, नेक्स्ट अगर मैं ये लेता हूं एग्जांपल, और पॉजिटिव लॉजिक, ठीक है, और इसका मुझे अब ड्वेल निकालना है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग ये किसके इक्वल आता है। तो अगर हम और पॉजिटिव लॉजिक की बात करते हैं, तो और पॉजिटिव लॉजिक तो हमें याद रहता है हमेशा, वो कितना होता है आपका, 0 1 1 1, ठीक है ना, ऐसा हम हमेशा याद करके रखते हैं। लेकिन अगेन जैसा मैंने आपको कहा, थ्योरी के फॉर्म में आपको पढ़ना आना चाहिए, थ्योरी के फॉर्म में। तो यहां पर अगर आप देखते हो, यहां पर पॉजिटिव लॉजिक में 0 क्या है, लो है, 1 क्या है आपका, हाई है, ठीक है। तो आप देखो, लो प्लस लो, और ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, ए प्लस बी, ठीक है। तो लो प्लस लो आंसर क्या है, लो, लो प्लस हाई, हाई, हाई प्लस लो, हाई, हाई प्लस हाई, आंसर क्या हो जाएगा आपका, हाई हो जाएगा। क्लियर है अच्छे से? तो आप अगर इस तरह से माइंड में रखोगे तो नेगेटिव लॉजिक को बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसका मतलब क्या है कि अगर और ऑपरेशन में, और ऑपरेशन में कोई भी अगर एक हाई है तो आंसर क्या होगा आपका, हाई ही होगा, ठीक है। तो यहां पर देखो नेगेटिव लॉजिक में, नेगेटिव लॉजिक में माइंड में बैठा लो फिर से, 0 क्या है आपका, लो है, ठीक है, 0 आपका हाई है, और 1 क्या है आपका, लो है, ठीक है ना। नेगेटिव लॉजिक जस्ट उल्टा है आपका। तो आप देखो यहां पर हाई प्लस हाई आंसर क्या होता है, हाई, हाई कौन है, 0। देन हाई प्लस लो आंसर क्या होता है, हाई, हाई कौन है यहां पर, 0 है। फिर लो प्लस हाई, 1 लो 0 हाई, तो लो प्लस हाई आंसर क्या होता है, हाई, हाई कौन है, 0। और लास्ट लो प्लस लो आंसर क्या होता है, लो, और लो कौन है आपका, 1 है। तो ये आपका निकल गया और का नेगेटिव लॉजिक, मींस और का ड्वेल। तो यहां पर अगर आप ध्यान से अब देखो, तो अगर मैं इस स्टेटमेंट को आपको शो ना करूं, तो इसको देखकर आपको क्या लगेगा,
कि 00 का 0 आ रहा है, 01 का भी 0, 10 का भी 0 और 11 का 1, तो आपको लगेगा ये तो एंड ऑपरेशन लिखा हुआ है, बट कौन सा एंड? ये लिखा हुआ है पॉजिटिव लॉजिक एंड, जो आज तक हम पढ़ते आए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो और का ड्वेल है, और का जो नेगेटिव लॉजिक है, वो किसके इक्वल है? वो एंड के पॉजिटिव लॉजिक के इक्वल है। तो लास्ट के दो एग्जांपल से हमें क्या क्लियर हुआ? यहां पर हमें ये क्लियर होता है कि एंड का ड्वेल और होगा, और का ड्वेल एंड होगा। क्लियर है अच्छे से? तो यहां पर ये दोनों एग्जांपल आपको अच्छे से क्लियर है, ठीक है ना? अगर ये दोनों एग्जांपल आपको क्लियर हैं, तो ड्वेल में हमें और भी बहुत कुछ पढ़ना है अभी, ठीक है ना? तो यहां पर अब मैं डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशंस लूंगा जहां पर हम ड्वेल कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? तो मैं आपको एक प्रोसीजर लिखा देता हूं शॉर्ट फॉर्म में, उस प्रोसीजर को आपको हमेशा अप्लाई करना है। तो आप देखो, यहां पर ध्यान से देखना, जो मैंने आपको बताया अभी वही लिखा रहा हूं मैं आपको। फर्स्ट क्या है आपका कि और का ड्वेल क्या होगा? एंड। तो मैंने डबल साइडेड एरो बनाया है, मतलब एंड का ड्वेल क्या हो जाएगा आपका? और हो जाएगा। सेकंड, और को क्या लिख सकते हो? प्लस। प्लस का क्या हो जाएगा? डॉट यानी मल्टीप्लाई, और डॉट का क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। सेम थिंग है, फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सेम है। नाउ थर्ड अगर बात करूं, थर्ड होता है आपका कि वन का ड्वेल जीरो होता है, और जीरो का ड्वेल आपका क्या होता है? वन, ठीक है? और फोर्थ, फोर्थ जो है आपका, फोर्थ पॉइंट है कि जो आपको नहीं करना है। होता क्या है यहां पर, मैं आपको एक पॉइंट समझाता हूं। होता क्या है, ये तीन तो हमें करने हैं, ठीक है? मतलब डॉट की जगह प्लस लिखना है, प्लस की जगह डॉट, वन की जगह जीरो, जीरो की जगह वन। लेकिन जो हमें नहीं करना है ना, वो हम कई बार कर जाते हैं। वो ये है कि जब भी कोई आपको वेरिएबल दिख रहा हो ना, मान लो किसी इक्वेशन में ए बी सी है, तो आपको ड्वेल का मतलब ये नहीं है कि आप ए का ए बार बना दो या बी का बी बार बना दो। ड्वेल का मतलब सिर्फ डॉट को प्लस या प्लस को डॉट करना है। तो कीप वेरिएबल एज इट इज, वेरिएबल को कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है ना? डोंट चेंज द वेरिएबल, मींस आपको जबरदस्ती का बार नहीं लगाना है, ना ही जो बार फॉर्म है उसको नॉर्मल फॉर्म में लिखना है। आपको सिर्फ डॉट को प्लस लिखना है और प्लस को डॉट, और कुछ नहीं करना, ठीक है? यहां पर एक डाउट अगर आप ध्यान से समझ रहे होगे तो आपके मन में यह आ सकता है कि डॉट को प्लस या प्लस को डॉट तो मैंने आपको प्रूफ कराया है, लेकिन वन को जीरो या जीरो को वन तो मैंने आपको प्रूफ नहीं कराया। तो ये कैसे होता है ड्वेल, कि वन का ड्वेल जीरो होगा या जीरो का ड्वेल वन होगा? तो ये भी मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं यहां पर, फिर हम क्वेश्चन करेंगे इसके। मान लो मैं लेता हूं ए इंटू ए बार, तो हमने कल पढ़ रखा है, आज भी हमने देखा है कि ए इंटू ए बार कितना होता है? जीरो, ठीक है? अब अगर मैं इसका ड्वेल निकालू, तो ड्वेल के लिए मैंने आपको क्या सिखाया है? जस्ट आपको डॉट मल्टीप्लाई को प्लस कर देना है, और कोई भी काम नहीं करना है। तो आप देखो यहां पर कितना होगा, a इंटू ए बार, ये बन जाएगा a प्लस ए बार। तो a इंटू ए बार क्या होता है? जीरो। और a प्लस ए बार क्या होता है? वन। ये हम कल से पढ़ते आ रहे हैं। तो देखो प्रूव हो गया कि जीरो का ड्वेल क्या होगा? वन। वैसे ही अगर आप a प्लस ए बार का लेते हो तो ड्वेल क्या होगा? a इंटू ए बार, मतलब वन का क्या हो जाएगा आपका? जीरो। क्लियर है अच्छे से? तो ये प्रोसेस है जो आपको माइंड में रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो नंबर फोर भी है कि आपको वेरिएबल को चेंज नहीं करना है, ठीक है? तो अब मैं यहां पर दो क्वेश्चन लूंगा और उससे एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे हम ड्वेल के अंदर, ठीक है? तो यहां पर ध्यान से देखो, अब फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा ए बी सी, ए बी बार सी, ए बी सी बार, ठीक है? तो ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है? और मैं बोल रहा हूं कि इसका आप ड्वेल निकालो।
तो इसका आपको जो ड्वेल निकालना है, तो आप सोच रहे हो कि ये क्वेश्चन में दिया ही क्यों, ड्वेल तो इतना इजी है, सिर्फ डॉट का प्लस करना है या प्लस का डॉट करना है। बट एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताऊंगा, तो ध्यान से देखना आप। पहले हम लोग सिंपली ड्वेल निकाल लेते हैं, वो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी बार प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बार, ठीक है ना। हमने क्या किया, जहां जहां हमें डॉट दिख रहे थे वहां वहां हमने प्लस कर दिया, जहां जहां प्लस थे वहां वहां डॉट कर दिया। इस पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब अभी आप इस क्वेश्चन को, अगर आप सॉल्यूशन नोट भी कर रहे हो तो इसको अभी नोट नहीं करना। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगा अभी। मान लो एक और एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, y a कॉमा बी कॉमा सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं कि इसका दोबारा से ड्वेल निकालो, इसका भी ड्वेल निकालो, तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस बी, बी प्लस सी, ए प्लस सी, ठीक है। तो मैं यहां पर आपको दो एग्जाम्पल शो कर रहा हूं, दोनों के मैंने यहां पर ड्वेल निकाल लिए, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं थी, बहुत ईजी था, ठीक है। अब यहां पर देखो, जो पहला एग्जाम्पल है, पहले एग्जाम्पल में अगर मैं ड्वेल वाले इक्वेशन का, मतलब जो नीचे वाला इक्वेशन है उसका अगर दोबारा से ड्वेल निकालू, ड्वेल वाले इक्वेशन का अगर दोबारा से ड्वेल निकालू तो कितना आ जाएगा, आपका सेम आ जाएगा। ये आई थिंक सबको क्लियर होना चाहिए कि जब आप ड्वेल का दोबारा से ड्वेल लोगे तो आंसर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, जो ओरिजिनल क्वेश्चन है हमें वही मिल जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आपने एक बार डॉट को प्लस किया फिर प्लस को दोबारा डॉट कर दिया तो सेम आंसर मिल जाएगा। सेम नीचे भी वही होने वाला है कि जब आप ड्वेल वाले का दोबारा ड्वेल लोगे तो सेम मिल जाएगा। बट अब नया क्या बताने जा रहा हूं मैं, ये अब ध्यान से देखो। अब मान लो इस ड्वेल वाले एक्सप्रेशन को अगर मैं सॉल्व करूं, पहला क्वेश्चन जो है पहले उसको सॉल्व करने जा रहा हूं मैं। अब अगर इस ड्वेल वाले एक्सप्रेशन को मैं सॉल्व करता हूं, तो अगर कल की क्लास आपने की है तो कल की क्लास में हमने एक क्वेश्चन किया था पी प्लस क्यू प्लस आर वाला, ट्रांसपोजिशन थ्योरम पर, ठीक है। अगर आपको ट्रांसपोजिशन थ्योरम याद है तो अगर आप कल की क्लास ओपन करोगे या आपने अगर नोट्स पे लिखा होगा तो पी प्लस क्यू प्लस आर था, पी प्लस क्यू बार प्लस आर था, पी प्लस क्यू प्लस आर बार था, सेम क्वेश्चन है, कोई चेंज नहीं है। तो मेरा टारगेट अब यहां पर क्या है कि इस ड्वेल वाले एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करना है, ठीक है। तो ट्रांसपोजिशन थ्योरम अगर हम लगा दें, जो मैं अब आपके लिए वापस से लिख देता हूं, कि अगर a प्लस बी इंटू ए प्लस सी हो तो आंसर क्या होता है आपका, a प्लस बी सी, ठीक है ना। दोनों के दोनों ब्रैकेट्स में कोई एक वेरिएबल आपको कॉमन मिलना चाहिए। तो कल हमने क्या किया था, फर्स्ट और थर्ड में देखो आपको a प्लस बी क्या मिल रहा है, कॉमन, ठीक है। तो a प्लस बी को आप एक सिंगल वेरिएबल मान लो, दोनों में क्या मिल रहा है आपको, कॉमन मिल रहा है। अब इसके बाद a प्लस बी के साथ जो प्लस में है वो क्या हो जाएगा, सेकेंड वेरिएबल, और यहां पर a प्लस बी के साथ जो प्लस में है वो क्या हो जाएगा, थर्ड। तो आंसर क्या लिखे थे हम लोग कल, a प्लस बी प्लस सी सी बार, मीन्स ए प्लस फर्स्ट वेरिएबल प्लस सेकेंड इंटू थर्ड, ठीक है। और जो सेकेंड ब्रैकेट है वो एज इट इज लिखा जाएगा यहां पर, क्लियर है यहां तक। नाउ अब अगर हम इसे आगे और सॉल्व करते हैं जैसा हमने कल किया हुआ है, जस्ट कल की क्लास का रिवीजन ही है ये वाला क्वेश्चन जो है कल ऑलरेडी हम कर रखे हैं। तो सीसी बार क्या होता है, जीरो, तो क्या होगा, ए प्लस बी, ए प्लस बी बार प्लस सी। अब वापस से हम ट्रांसपोजिशन लगा सकते हैं, वापस से हमें ब्रैकेट ओपन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहां पर कैसे ट्रांसपोजिशन लगेगा, ए कॉमन है आपका, देख सकते हो दोनों ब्रैकेट्स पे, तो ए हो जाएगा फर्स्ट, बी हो जाएगा सेकेंड, बी बार प्लस सी क्या हो जाएगा, थर्ड। तो आंसर फिर से क्या लिख सकते हो, फर्स्ट प्लस सेकेंड इंटू थर्ड, तो कितना हो जाएगा आंसर, ए प्लस बी इंटू बी बार प्लस सी, ठीक है। तो इसे अगर आप ओपन कर लो अब, तो ये कितना बन जाएगा, ए बी इंटू बी बार कितना होता है आपका, जीरो, तो
तो a प्लस बी सी, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने ड्वेल वाले एक्सप्रेशन को यहां पर सॉल्व किया। हमने पहले ओरिजिनल एक्सप्रेशन का ड्वेल निकाला, फिर ड्वेल वाले एक्सप्रेशन को मिनिमाइज किया। अगर आपको कल की क्लास याद है तो मैंने आपको कल एक पॉइंट बोला था कि जब आप किसी एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करते हो तो उसका आउटपुट हमेशा सेम रहता है। मिनिमाइज करने का मतलब ही यही होता है कि आउटपुट हमेशा सेम रहे, ठीक है। तो यहां पर जो हमने ड्वेल वाले एक्सप्रेशन को मिनिमाइज किया तो ये जो आउटपुट है और जो लास्ट में yd लिखा है, दोनों के दोनों आपके क्या है, सेम है। मतलब ये जो लास्ट में लाइन लिखी है वो भी आपका ड्वेल एक्सप्रेशन ही है, आपके ओरिजिनल एक्सप्रेशन का, ठीक है ना। आपने जस्ट ड्वेल वाले एक्सप्रेशन को मिनिमाइज किया है, ठीक है। अब यहां पर देखो, नीचे वाले एक्सप्रेशन के साथ भी मैं सेम काम करूंगा। तो yd a कॉमा बी कॉमा सी, देखो यहां पर डायरेक्टली ट्रांसपोजिशन लग रहा है, a प्लस बी ए प्लस सी, फर्स्ट और थर्ड। तो आंसर क्या होता है, a प्लस बी सी, और b प्लस सी को आप एज इट इज लिख सकते हो। तो अब अगर आप देखते हो, अब दोनों ब्रैकेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो अब आपको ब्रैकेट्स को ओपन करना ही पड़ेगा। तो यहां पर कितना हो जाएगा, अब ये yd a कॉमा बी कॉमा सी, ए बी ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी प्लस क्या हो जाएगा, बी बी सी प्लस बी सी सी। मैंने जस्ट क्या किया, यहां पर मल्टीप्लीकेशन किया है दोनों ब्रैकेट्स को, और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो अब अगर आप इसे और आगे सॉल्व कर लो तो आप यहां पर ध्यान से देख सकते हो, मैंने कल आपको बताया था b इंटू बी कितना होता है आपका, b होता है। c इंटू सी भी कितना होता है आपका, c होता है, याद है सबको अच्छे से। तो ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस बी सी, और एट लास्ट अगर आप देखते हो, कल आपको बताया था मैंने कि अगर कोई एक टर्म रिपीट हो रहा हो एडिशन में बी सी प्लस बी सी, तो उसको आप क्या लिख सकते हो, BC लिख सकते हो। तो AB प्लस AC प्लस BC, क्लियर यहां तक। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इतना सारा काम किया क्यों, क्या समझना है हमें यहां पर। तो मेरी बात को अब ध्यान से सुनना, मैंने यहां पर दो क्वेश्चन लिए, ठीक है ना। ये था आपका क्वेश्चन वन और ये था आपका क्वेश्चन नंबर टू, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन का ड्वेल निकाला। अब इस ड्वेल वाले का अगर मैं दोबारा ड्वेल निकालूंगा तो सेम एक्सप्रेशन मिलेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि दो बार ड्वेल लेने से सेम एक्सप्रेशन मिलेगा। अब नीचे भी आ जाओ, नीचे मैंने पहले क्वेश्चन लिखा उसका ड्वेल निकाला, इसका दोबारा ड्वेल लूंगा सेकेंड लाइन का तो फिर से सेम एक्सप्रेशन मिलेगा, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैंने क्या किया, पहले क्वेश्चन में ड्वेल वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व किया तो मुझे क्या मिला, ए प्लस बी सी। अब मैंने सेकेंड वाले क्वेश्चन में भी ड्वेल वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व किया तो मुझे क्या मिला, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, जो कि मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, सेकेंड वाले क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ एक बार ड्वेल लेने पर, एक बार ड्वेल लेने पर मुझे ओरिजिनल क्वेश्चन मिल गया, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, दो बार ड्वेल लेने पर वापस से ओरिजिनल एक्सप्रेशन मिलना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो हमेशा ही होगा। लेकिन अगर एक बार ड्वेल लेने से ओरिजिनल एक्सप्रेशन वापस मिल जाए तो ये एक इंपॉर्टेंट थिंग है आपके लिए। और ऐसे एक्सप्रेशन जो इस तरह की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ एक बार ड्वेल निकालो, ऑल्दो हमने ड्वेल वाले एक्सप्रेशन को मिनिमाइज किया है, लेकिन मिनिमाइज करने के बाद भी एक्सप्रेशन सेम रहता है, ड्वेल का ड्वेल ही रहेगा, मैंने आपको पहले ही बता रखा है। तो अगर एक बार ड्वेल लेने से सेम एक्सप्रेशन मिल जाए तो इस तरह के एक्सप्रेशन आपके कहलाते हैं सेल्फ ड्वेल एक्सप्रेशन, ठीक है। तो यहां पर ये हमने स्टडी किया है सेल्फ ड्वेल, ठीक है। तो ये जो पहला एक्सप्रेशन है वो सेल्फ ड्वेल एक्सप्रेशन नहीं है, बट जो सेकेंड क्वेश्चन है वो क्या है, सेल्फ ड्वेल एक्सप्रेशन है। या आप ये भी बोल सकते हो कि ऐसे एक्सप्रेशन जो एक बार ड्वेल लेने पर सेम एक्सप्रेशन दे दें वो आपके कहलाते हैं सेल्फ ड्वेल एक्सप्रेशन, और ऐसी प्रॉपर्टी को आप बोलते हो सेल्फ ड्वेल प्रॉपर्टी। मतलब ऐसे एक्सप्रेशन सेल्फ ड्वेल प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, क्लियर है सबको अच्छे से। किसी को कोई डाउट है इस पॉइंट पर,
सेल्फ ड्वेल प्रॉपर्टी पर, सबको क्लियर है? ओके नाउ यहां पर सेल्फ ड्वेल जो एक्सप्रेशन है उसके रिगार्डिंग मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर सिखाऊंगा। हमने क्लास के स्टार्ट में आज एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ा था कि विथ एन वेरिएबल कितने लॉजिकल एक्सप्रेशन बनाए जा सकते हैं। तो हमने क्या स्टडी किया था, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था क्लास के स्टार्ट में कि विथ एन वेरिएबल्स आप 2 की पावर n लॉजिकल एक्सप्रेशन बना सकते हो। ये मैंने आपको आज की क्लास में स्टार्ट में बताया था, ठीक है। तो यहां पर 2 की पावर n लॉजिकल एक्सप्रेशन बन सकते हैं n वेरिएबल से। तो उनमें से कितने ऐसे होंगे जो सेल्फ ड्वेल प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे और कितने नहीं करेंगे, ये चीज भी हम समझ लेते हैं अब, ठीक है। तो मैं आपको फिर से वही एग्जांपल दे रहा हूं जो मैंने आपको इस टॉपिक को पढ़ाते समय दिया था। तो अगर n की वैल्यू 1 है, मतलब सिर्फ एक ही वेरिएबल है, मान लो वो वेरिएबल क्या है मेरे पास, a है, तो कितने एक्सप्रेशन हमने बनाए थे, a बनाया था, a बार बनाया था, a क्या बनाया था आपका, a इंटू a बार जो कि 0 होता है, और a क्या बनाया था, a प्लस a बार जो कि 1 होता है, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों ने n इक्वल टू 1 से 4 एक्सप्रेशन बनाए थे 2 की पावर n, हमारे पास फॉर्मूला भी था पहले से और हमें पता भी था कि n इक्वल टू 1 से 4 ही एक्सप्रेशन बनेंगे, पढ़ चुके हैं हम लोग। अब मान लो इन सभी एक्सप्रेशन की अगर मैं ड्वेल निकाल लूं इन चारों के, तो क्या होगा, a का ड्वेल क्या होना चाहिए, कमेंट सेक्शन में आप लोग पोस्ट करो a का ड्वेल क्या होना चाहिए, a का ड्वेल, सिर्फ a का ड्वेल पूछ रहा हूं मैं, a का ड्वेल, एक का आंसर आया है अभी, और कोई बताओ, सेकेंड आंसर आया जो कि सही है। देखो जिन लोग क्लास स्टार्ट से पढ़ रहे हो ड्वेल वाली, थर्ड आंसर भी गलत है। जिन लोग क्लास स्टार्ट से पढ़ रहे हो ड्वेल वाली, मैंने क्या कहा था पॉइंट नंबर 4 प्रोसीजर में, डू नॉट चेंज द वेरिएबल, वेरिएबल को चेंज नहीं करना है, डॉट को प्लस और प्लस को डॉट करना है, ठीक है। फिर भी 3 लोगों का आंसर गलत है, डॉट को प्लस और प्लस को डॉट करना है, वेरिएबल को चेंज नहीं करना है, डू नॉट चेंज द वेरिएबल। मैंने क्या बोला था कि आप बार मत लगा देना, समझ में आ रही है बात। तो अब आप अपना आंसर करेक्ट कर सकते हो, तो a का ड्वेल क्या होगा, a ही होगा। मैंने क्या कहा था, जबरदस्ती का बार मत लगा देना, बार को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट मत कर देना, ठीक है। तो a का ड्वेल a, a बार का ड्वेल क्या होगा, a बार ही होगा, ठीक है। आपको सिर्फ डॉट को प्लस और प्लस को डॉट करना है और कुछ भी नहीं, ठीक है। अब देखो यहां पर a इंटू a बार, ये ऑलरेडी बता चुका हूं, a प्लस a बार कितना हो जाएगा 1, a प्लस a बार, a इंटू a बार ये कितना हो जाएगा 0, ठीक है। ये आपको मैं बता भी चुका हूं कि 0 का 1 होता है और 1 का 0 होता है, प्रूफ हो गया। फिर से यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब आपने a का 12 निकाला तो a आया, a बार का भी a बार आया, 0 का 1 आया, 1 का 0 आया। मैंने क्या बोला आपको, सेल्फ ड्वेल प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर एक बार ड्वेल लेने पर सेम एक्सप्रेशन मिल जाए तो उन्हें आप क्या बोलोगे, सेल्फ ड्वेल एक्सप्रेशन, ठीक है। तो आप देखो n वेरिएबल से टोटल 2 की पावर n एक्सप्रेशन बनते हैं। हमने n इक्वल टू 1 का एग्जांपल लिया, हमने एक वेरिएबल कंसीडर किया a, तो a से कितने एक्सप्रेशन बने, टोटल 4, और आउट ऑफ 4 एक्सप्रेशन स्टार्ट के अगर आप 2 एक्सप्रेशन देखते हो जहां a का a मिला और a बार का a बार मिला, दोनों के दोनों एक्सप्रेशन में एक बार ड्वेल लेने पर ही सेम एक्सप्रेशन आपको वापस मिल रहा है, और जबकि लास्ट के 2 एक्सप्रेशन में
जीरो का वन मिल रहा है, जब वन का दोबारा लोगे तब जीरो मिलेगा, और नीचे भी वन का जीरो मिल रहा है, जीरो का दोबारा लोगे तो वन मिलेगा। मतलब जो स्टार्ट के दो हैं वो सेल्फ ड्वेल प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं बट लास्ट के दो नहीं करते हैं। तो जितने टोटल होंगे उनमें से कुछ करेंगे कुछ नहीं करेंगे। तो फॉर्मूला क्या बनता है? हमने एक वेरिएबल के लिए तो एग्जाम्पल समझ लिया, अब मैं आपको एन वेरिएबल के लिए फॉर्मूला लिखा देता हूं। तो विथ एन वेरिएबल्स, विथ एन वेरिएबल्स आउट ऑफ 2 की पावर n लॉजिकल एक्सप्रेशन, 2 की पावर n-1 लॉजिकल एक्सप्रेशंस विल सेटिस्फाई सेल्फ ड्वेल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपको क्या बताया कि n वेरिएबल्स के साथ टोटल आपके 2 की पावर n लॉजिकल एक्सप्रेशन बनते हैं, उनमें से 2 की पावर n-1 लॉजिकल एक्सप्रेशन ऐसे होंगे जो सेल्फ ड्वेल प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे। आप चाहो तो यहां पर वेरीफाई भी कर सकते हो, n की वैल्यू 1 पुट कर लो तो 1-1 क्या होता है 0, 2 की पावर 0 क्या होगा 1 और 2 की पावर 1 क्या होगा 2। तो आप देख सकते हो n इक्वल टू 1 के लिए टोटल दो एक्सप्रेशन ऐसे आएंगे फॉर्मूले से जो सेल्फ ड्वेल प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, क्लियर है अच्छे से? तो यहां पर भी हमारे दो ही एक्सप्रेशन ऐसे आए थे, क्लियर? सो ये आपका कंप्लीट कंसेप्ट होता है सेल्फ ड्वेल का। ठीक है, नाउ जो ये हम ड्वेल पढ़ रहे हैं उसमें एक एप्लीकेशन भी ड्वेल का बन सकता है, ऑल दो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी एप्लीकेशन ऑफ ड्वेल क्या होता है आपका? एप्लीकेशन ऑफ ड्वेल होता है कॉम्प्लीमेंट। आप किसी भी एक्सप्रेशन का कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हो बाय यूजिंग ड्वेल कंसेप्ट। कैसे? देखो, मान लो आपको वाई कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ए बी सी बार, ए बी बार सी, ए बार बी बार सी, ऐसे रैंडम सा मैंने कोई एक्सप्रेशन लिख लिया। ठीक है, एग्जाम में आपको बोला कि आप इसका कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करो। ठीक है, मतलब y दिया है, y बार निकालो। ठीक है, तो यहां पर y बार कैसे लिखते हैं आप? ए बी सी बार प्लस ए बी बार सी प्लस ए बार बी बार सी का होल बार। उसके बाद इसको ओपन करते होल बार को, ठीक है, क्योंकि सॉल्व भी करना ही पड़ेगा आपको। तो कौन सा थ्योरम लगता? डी मॉर्गन, कल आपको समझाया था कि ये टोटल आपके 3 टर्म हैं। ठीक है, तो 3 टर्म एडिशन में है और उनका क्या है? होल बार है। तो इंडिविजुअल टर्म का क्या हो जाएगा आपका? बार, और सारे के सारे किसमें आ जाएंगे? मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, तो ये नॉर्मल कॉम्प्लीमेंट लेने का प्रोसेस होता है जो आप हमेशा फॉलो करते हो। अब ड्वेल कंसेप्ट से कैसे हम कॉम्प्लीमेंट ले सकते हैं और सेम आंसर अचीव कर सकते हैं, ये भी हमें समझना होगा। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग ड्वेल कंसेप्ट क्या होता है आपका। यहां पर एक काम मैं और कर लेता हूं, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर देता हूं। जब ये इंडिविजुअल बार को भी आप सॉल्व करोगे तो देखो हर एक में वापस से डी मॉर्गन लगाया जा सकता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ए बी और सी बार आपस में क्या है? मल्टीप्लीकेशन में, और उनका होल बार है। तो क्या हो जाएगा? इंडिविजुअल बार, और वो किसमें आ जाएंगे आपके? एडिशन में। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट हमारा आ गया। ठीक है, अब सेम चीज हम लोग ड्वेल से कैसे ला सकते हैं ये मैं आपको अब समझा देता हूं। तो देखो, ये मेरा क्वेश्चन है वाई वाला। तो पहले अगर मैं वाई का ड्वेल निकाल लू तो ड्वेल का मतलब क्या होता है? प्लस को डॉट, डॉट को प्लस, और कुछ भी नहीं। तो ड्वेल आपको सबसे पहले ले लेना है। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या लेना है? ड्वेल लेना है। ड्वेल लेने के बाद आपको अगर कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना है y का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो पहले आप क्या करो? ड्वेल ले लो,
ड्वेल लेने के बाद आप क्या करो कि इंडिविजुअल वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट कर दो, आपका वाई का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। आप देखो ए बार बी बार सी, ठीक है, और यहां पर कितना हो जाएगा आपका ए बार प्लस बी सी बार, ए प्लस बी प्लस सी बार, ठीक है, क्लियर है अच्छे से। तो आप देख सकते हो जो आपका आंसर आया है y का कॉम्प्लीमेंट का, जो हम लोगों ने इतना सारा निकाला था यहां पर, ठीक है, वो आपका बिल्कुल सेम आया है ड्वेल प्रॉपर्टी का यूज करके। तो बेसिकली कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है ये, आप डायरेक्टली भी y का बाहर निकाल सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको ड्वेल कंसेप्ट का यूज करना है y का बाहर निकालने के लिए, तो आप क्या करो, नॉर्मली पहले ड्वेल ले लो और फिर इंडिविजुअल वेरिएबल का बार ले लो, आपका आंसर आ जाएगा वाई का बार। क्लियर है सबको अच्छे से? तो ये आपका कंप्लीट होता है ड्वेल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो आपका कंसेप्ट है जो हमें बूलियन के अंदर स्टडी करना है वो है आपका वेन डायग्राम, ठीक है। बूलियन में बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जो आपको स्टडी करना है, कॉम्बिनेशनल सर्किट के पहले तक आपको ऐसे ही बहुत सारे कंसेप्ट मिलेंगे, ठीक है। तो वेन डायग्राम क्या होता है आपका, बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है, काफी इजी है, सिर्फ आपको फैमिलियर होना है इस टॉपिक से और कुछ भी नहीं। तो वेन डायग्राम क्या होता है, टू वेरिएबल वेन डायग्राम और थ्री वेरिएबल वेन डायग्राम जो मैं आपको बताऊंगा यहां पर, ठीक है। तो टू वेरिएबल वेन डायग्राम क्या होता है, यहां पर देखो, मान लो आपके दो वेरिएबल हैं ए और बी, ठीक है। तो वेन डायग्राम बेसिकली क्या होता है, सर्कल वाइज आप रिप्रेजेंट करते हो। तो अगर आपके दो वेरिएबल हैं ए और बी, तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले डिनोट कर दो ये जो पोर्शन है आपका, ये वाला, ठीक है, ये पोर्शन आपका डिनोट करता है ए है पर बी नहीं है, मतलब ए बी बार, इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हो। अब ये जो पोर्शन है आपका, ये रिप्रेजेंट करता है बी है पर ए नहीं है, मींस ए बार बी। अगर आप कॉमन पोर्शन देखो दोनों का, कॉमन पोर्शन जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है आपका, कि ए भी है और बी भी है, मतलब कितना हो जाएगा ए इंटू बी। और जो लास्ट जो फोर्थ कॉम्बिनेशन हो सकता है वो दोनों सर्कल के बाहर, मींस यहां पर ए भी नहीं है और बी भी नहीं है, मींस क्या हो जाएगा ए बार बी बार, क्लियर। तो ये वेन डायग्राम का जस्ट रिप्रेजेंटेशन है। अब मैं अगर बात करूं एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं इस टॉपिक से, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। आपको क्या करेगा, आपको यहां पर सपोज करो ऐसे दो सर्कल दे दिया, सर्कल के नाम दे देगा, ठीक है, और इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं रिप्रेजेंट करेगा, सिर्फ आपको क्या करेगा शेडेड पोर्शन दे देगा। जैसे मान लो यहां पर एक शेडेड पोर्शन मैंने आपको दे दिया, ये यहां तक ये शेडेड है। तो ये डायग्राम देने के बाद आपसे सिर्फ इतना पूछेगा कि डिटरमाइन द आउटपुट विथ रिस्पेक्ट टू शेडेड पोर्शन, ठीक है। आपको एग्जाम में कभी ये नहीं बताएगा कि इसको ए बी बार बोलते हैं या इसको ए बी बोलते हैं या ये आपका ए बार बी है या ए बार बी बार है, ये आपको खुद से समझना होगा, ठीक है। तो शेडेड पोर्शन के रेस्पेक्ट में आउटपुट, अब आप जानते हो इसको क्या बोलते हैं ए बी बार, इसको क्या बोलते हैं ए बी। तो जो आपका वाई है वो क्या हो जाएगा ए बी बार प्लस ए बी, ठीक है। आगे आप चाहो तो और सॉल्व कर सकते हो, अगर आप दोनों से देखोगे तो ए कॉमन आ रहा है और बी प्लस बी बार कितना होता है आपका वन होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा ए, ठीक है। आगे का सॉल्यूशन आप कल पढ़ चुके हो, उसके लिए आपको वरी नहीं करना है, लेकिन आपका वेन डायग्राम का कंसेप्ट सिर्फ इतना ही है। मैं यहां पर थ्री वेरिएबल का वेन डायग्राम भी आपको शो कर देता हूं,
अगर हम बात करते हैं थ्री वेरिएबल के लिए तो आपके थ्री सर्कल्स हो जाएंगे ए बी और सी, ठीक है, थ्री सर्कल्स होंगे हम लोगों के, तो आप बाहर रिप्रेजेंट कर सकते हो ए बार बी बार सी बार। ऑब्वियस सी बात है, आपको पता ही है जब दो सर्कल थे दो वेरिएबल थे तो फोर कॉम्बिनेशन थे, थ्री वेरिएबल्स है तो एट कॉम्बिनेशन होंगे, आठ कॉम्बिनेशन आपके बन जाएंगे। तो अगर आप इस पोर्शन को देखते हो, इस पोर्शन को, तो यहां पर ए प्रेजेंट है, ठीक है, और बी और सी क्या है आपके अब्सेंट है, तो आप क्या लिखोगे ए बी बार सी बार। यहां देखो ए बार बी सी बार, यहां क्या हो जाएगा आपका ए बार बी बार सी, ठीक है। नाउ इसको देखो आप ध्यान से, इस वाले पोर्शन को, ये जो पोर्शन है इसमें आपका ए और सी दोनों प्रेजेंट है लेकिन बी प्रेजेंट नहीं है, ये वाला पोर्शन, तो यहां आप क्या लिख दोगे ए बी बार सी। इस पोर्शन को देखो बी और सी प्रेजेंट है लेकिन ए अब्सेंट है तो ए बार बी सी। इस पोर्शन को आप देखो ए और बी प्रेजेंट है बट सी अब्सेंट है तो ए बी सी बार। और अगर आप एक बहुत छोटा सा पोर्शन देखो बीच वाला ये वाला, तो इस पोर्शन में तीनों के तीनों प्रेजेंट है ए बी सी, ठीक है। तो आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, क्लियर है अच्छे से। तो यहां पर मैं आपके लिए क्वेश्चन भी डेवलप कर देता हूं ए बी और सी। तो अगर आपसे एग्जाम में ऐसा पूछ ले डिटरमाइन द आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू शेडेड पोर्शन, तो मैंने क्या किया बीच के जो सारे कॉमन पोर्शन थे ना उनको शेडेड कर दिया है। तो यहां पर अब अगर आप ध्यान से देखते हो तो आउटपुट क्या हो जाएगा, देखो ये वाला पोर्शन है, ये है, ये है और बिल्कुल सेंटर वाला जहां तीनों प्रेजेंट है, तो आउटपुट क्या हो जाएगा हमारा ए बी बार सी, ए बी सी बार, ए बार बी सी प्लस ए बी सी, ठीक है। तो ये हमारा आउटपुट यहां पर आ जाएगा। अब यहां पर ऑल दो मिनिमाइजेशन टेक्निक हम लोग कल सीख चुके हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा रिलेटेड टू मिनिमाइजेशन टेक्निक। वेन डायग्राम का कंसेप्ट हो गया, आपने वेन डायग्राम का यूज करके इक्वेशन लिख लिया। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये जो एक्सप्रेशन हमने लिखा है अभी, इसको अगर आगे हम सॉल्व करना चाहते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो होता क्या है, मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देने जा रहा हूं आपको। अगर आप देखोगे, आपको अगर मैं बोलूं सॉल्व करो, तो कल मैंने आपको क्या सिखाया था कि आप कॉमन लो, ठीक है, तो आप क्या करते हैं सबसे पहले आप देख लेते हैं लास्ट के टू टर्म से बीसी क्या निकल रहा है कॉमन, ठीक है, तो बीसी कॉमन लोगे तो ए प्लस ए बार क्या हो जाएगा वन। सबसे पहले आपकी अप्रोच यही होती कि आप बीसी को कॉमन ले लेते, बट सपोज करो कोई जरूरी तो नहीं कि जैसे पहले मैंने ए बी बार सी लिखा फिर ए बी सी बार लिखा फिर ए बार बी सी लिखा वैसे ही हर कोई लिखे। हो सकता है कोई और स्टूडेंट जो हो वो पहले लिख दे ए बार बी सी फिर ए बी सी बार लिख दे फिर लास्ट में लिख दे ए बी बार सी, ठीक है ना, तो वो शायद इन दोनों टर्म से कुछ कॉमन निकालने की कोशिश करेगा ए बी बार सी और ए बी सी से। तब भी आप देखोगे तो एसी कॉमन आ रहा है दोनों से, बी प्लस बी बार क्या हो जाएगा वन। अब हो सकता है कोई और सेकेंड टर्म और फोर्थ टर्म से कॉमन निकालने की कोशिश करे, तो कॉमन क्या आ रहा है आपका ए बी आ रहा है, सी प्लस सी बार क्या हो जाएगा वन। तो आप यहां पर एक चीज ऑब्जर्व करो कि ए बी सी एक ऐसा टर्म है जिसको आप बाकी बचे तीनों टर्म में से किसी के साथ भी यूज कर लो, आपके दो ही वेरिएबल कॉमन आ रहे हैं। अगर आप इन दोनों को लेते हो तो बीसी कॉमन है, ठीक है, ए प्लस ए बार वन। अगर आप सेकेंड और फोर्थ को लेते हो तो ए बी कॉमन है, और अगर आप फर्स्ट और फोर्थ को लेते हो
तो आपका ए सी कॉमन है, तो ए बी सी को आप तीनों में से किसी भी टर्म के साथ कॉमन ले लो, आपका इक्वल परफॉर्मेंस है। तो अगर मिनिमाइज करते समय कोई एक ऐसा टर्म आपको मिल जाए जिसका बाकी बचे हुए टर्म्स के साथ इक्वल परफॉर्मेंस हो, ध्यान रखना इक्वल परफॉर्मेंस होना चाहिए। इक्वल परफॉर्मेंस का मतलब है सेम नंबर ऑफ वेरिएबल कॉमन आ रहे हो, ठीक है, तो उस केस में आप क्या करोगे, ए बी सी को दो बार रिपीट कर दोगे, उस टर्म को दो बार रिपीट कर दोगे। आप खुद सोचो, जब आपने देखा कि ए बी सी को किसी के साथ भी कॉमन लेने पर ठीक है हमारा काम बन रहा है, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि काश मेरे पास तीन ए बी सी होते तो मैं तीनों टर्म के साथ एक एक ए बी सी मिलाकर कॉमन ले लेता और मेरा क्वेश्चन एक ही बार में सॉल्व हो जाता। तो ये पॉसिबल है ना, हमने कल पढ़ा हुआ है कि एडिशन में अगर कोई टर्म बार बार रिपीट हो रहा हो तो उसको आप सिंगल टर्म से रिप्लेस कर सकते हो। तो हमने वही तो किया है, एक टर्म था उसको हमने बार बार रिपीट कर दिया, मीनिंग तो सेम है, ठीक है, एक्सप्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो अगर हम इन दोनों की पेयर कर दें, इन दोनों का पेयर कर दें और इन दोनों का पेयर कर दें, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, y a कॉमा बी कॉमा सी ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। एक ही स्टेप में आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है अच्छे से, ठीक है। तो तीन ए बी सी हमने बना लिए, एक था हमने रिपीट कर दिया, ठीक है, तो यहां पर आपने अलग अलग टर्म के साथ कॉमन लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको हमेशा माइंड में रखना कि अगर कोई एक टर्म बाकी बचे टर्म्स के साथ इक्वल परफॉर्मेंस दे रहा हो तो उस टर्म को रिपीट कर दो। एक और पॉइंट है ध्यान रखना, बहुत बार हम क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको अभी एबीसी का एग्जाम्पल दिया है कि एबीसी को रिपीट करना है, तो आगे से कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना और उसमें अगर कोई एबीसी दिख गया तो सब एबीसी को रिपीट करना चालू कर देते हैं। रटना नहीं है कि एबीसी को ही रिपीट करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसे टर्म को रिपीट करना है जिसका बाकी बचे टर्म्स के साथ क्या हो, इक्वल परफॉर्मेंस हो। ये पॉइंट आपको माइंड में रखना है, क्लियर है सबको अच्छे से। नाउ नेक्स्ट आप एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा बुलियन से रिलेटेड अभी, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है मेरा कि सपोज करो आपको एक आउटपुट दिया है y जो कि तीन इनपुट वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है, a कॉमा b कॉमा c, ठीक है। आउटपुट इज y विच डिपेंड्स अपॉन थ्री इनपुट वेरिएबल्स a कॉमा b कॉमा c, क्लियर, ये मेरा आउटपुट है। अब आपको बोला है आउटपुट y इज वन, आउटपुट y इज वन आउटपुट y इज वन व्हेन एनी ऑफ द अबव कंडीशन इज सेटिस्फाइड। आउटपुट y इज वन व्हेन एनी ऑफ द अबव कंडीशन इज सेटिस्फाइड, ठीक है। तो आपको चार कंडीशन दी हुई हैं, इसमें फर्स्ट कंडीशन बोली है a इज ट्रू एंड c इज फॉल्स, सेकेंड बोली है b इज फॉल्स एंड c इज ट्रू, थर्ड कंडीशन आपको बोली है a इज फॉल्स एंड b इज फॉल्स एंड c इज फॉल्स, फोर्थ बोली है आपको a इज ट्रू एंड b इज ट्रू एंड c इज ट्रू, ठीक है। आपको चार कंडीशन दी हुई है, ठीक है, तो यहां पर a इज ट्रू एंड c इज फॉल्स, b इज फॉल्स एंड c इज ट्रू, a इज फॉल्स एंड b इज फॉल्स एंड c इज फॉल्स, a इज ट्रू एंड b इज ट्रू एंड c इज ट्रू। तो आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका यह है कि एक आउटपुट है y जो कि तीन इनपुट वेरिएबल पर डिपेंड करता है a कॉमा b कॉमा c, तो आउटपुट y विल बी वन इफ एनी, इस वर्ड को ध्यान रखना जो मैंने कहा है आपका,
एनी ऑफ द अबव कंडीशन इज सेटिस्फाइड, एनी, ठीक है। तो यहां पर आपको फाइनल आंसर अब लिखना है एक्सप्रेशन फॉर वाई। हमारा क्वेश्चन ये है राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर वाई, ठीक है। तो यहां पर इस क्वेश्चन को आप लोग सोचो कि हम लोग कैसे लिख सकते हैं एक्सप्रेशन को। एंड लास्ट क्वेश्चन में एक स्टूडेंट को डाउट है, जब भी आप ना कोई भी टर्म रिपीट करते हो, ठीक है, जैसे मैंने आपको कल क्लास के स्टार्ट में बताया था a प्लस ए प्लस ए हमेशा क्या होगा, a, एबीसी प्लस एबीसी प्लस एबीसी वो भी क्या होगा आपका एबीसी होगा। तो कोई टर्म अगर आप चाहे रिपीट करो या रिपीटेड टर्म को एक बार लिख दो, ओरिजिनल एक्सप्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग कई बार होता है कि हमें टर्म्स को रिपीट करना पड़ता है, कई बार रिपीटेड टर्म को एक बार लिखना पड़ता है। लास्ट क्वेश्चन में एडवांटेज क्या था कि आपको टर्म रिपीट करने से आपका जो ओवरऑल एक्सप्रेशन था वो एक ही लाइन में सॉल्व हो रहा था, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको माइंड में रखना है। अब चलो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन में जैसा मैंने आपको एक वर्ड पर बोला, एक वर्ड क्या था, एक वर्ड है एनी ऑफ द अबव कंडीशन इज सेटिस्फाइड, ठीक है। तो एनी ऑफ द अबव कंडीशन इज सेटिस्फाइड का क्या मतलब है कि या तो फर्स्ट हो जाए, या तो सेकेंड, या तो थर्ड, या तो फोर्थ, चारों में से कोई भी हो जाए, ठीक है। तो आपको अब वाई का एक्सप्रेशन लिखना है और ध्यान से समझना मेरी बात को। लिखा है वाई इक्वल टू वन, ठीक है ना, आउटपुट विल बी वन इफ एनी ऑफ द कंडीशन इज सेटिस्फाइड। इसका मतलब यह है कि आपको एसओपी फॉर्म में लिखना है। कल मैंने आपको बताया था एसओपी फॉर्म तब लिखा जाता है जब आउटपुट वन हो। पीओएस फॉर्म कब लिखा जाता है, जब आउटपुट क्या हो, जीरो हो। तो आपको एक हिंट मिल गई है क्वेश्चन में कि आपको एसओपी फॉर्म सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में एक्सप्रेशन लिखना है। तो बहुत ईजी है ये। मैं आपको ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए करा रहा हूं कि जब हम आगे जाके कॉम्बिनेशनल सर्किट पढ़ेंगे तो आपको वहां पर कई सारे थ्योरी को एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना होगा, एक्सप्रेशन को थ्योरी में। तो बस एक थ्योरी है जिसको हम लोग एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आप देखो पहला क्या है, ए इज ट्रू एंड सी इज फॉल्स, मतलब ए सी बार। अब यहां पर एक पॉइंट ध्यान में रखना, जैसे आप लोग प्रोबेबिलिटी भी कभी पढ़े होंगे, तो जब ना अल्टरनेट होते हैं ना आपके पास या और, हिंदी में आप क्या बोलते हो, हिंदी में आप बोलते हो या, और इंग्लिश में उसी को क्या बोलते हो, और मींस और गेट लगा दो, सिंपल प्लस लगा दो। प्रोबेबिलिटी में भी आप यही करते हो, जब अल्टरनेटिव होते हैं तो आप क्या यूज करते हो, प्लस, जब कंपलसरी हो मतलब एंड, एंड मतलब मल्टीप्लाई डॉट। तो देखो ये क्या बोल रहा है, इफ एनी ऑफ द कंडीशन इज सेटिस्फाइड, तो चारों में से या तो फर्स्ट हो जाए, या तो सेकेंड, या तो थर्ड, या तो फोर्थ, तो प्लस, अल्टरनेट है, अल्टरनेट के लिए हमेशा क्या लगाओ, प्लस। तो सेकेंड क्या लिखा है, बी इज फॉल्स एंड, एंड मतलब मल्टीप्लाई, सी इज ट्रू मतलब बी बार सी, फॉल्स मतलब बार, क्योंकि आप एसओपी फॉर्म यूज कर रहे हो। अब अगली कंडीशन के लिए फिर से प्लस, ए इज फॉल्स मतलब ए बार, एंड, एंड मतलब डॉट, बी इज फॉल्स बी बार, एंड, एंड मतलब डॉट, सी इज फॉल्स मींस ए बार बी बार सी बार, फिर से प्लस। चौथी कंडीशन के लिए, चौथी कंडीशन क्या है आपकी, ए इज ट्रू एंड बी इज ट्रू एंड सी इज ट्रू, मतलब ए इंटू बी इंटू सी। तो बेसिकली ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ऐसा क्वेश्चन कभी एग्जाम में आपसे नहीं पूछेगा। ये सिर्फ एक आपको समझाने का तरीका है कि आपके पास अगर कोई भी थ्योरी हो तो आप उसको एक्सप्रेशन में कैसे कन्वर्ट करते हो, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखो जहां पर अल्टरनेटिव हो वहां पर आपको प्लस लगाना है, जहां पर कंपल्शन हो मतलब एंड लिखा हो वहां पर आपको डॉट लगाना है, बस और कुछ भी नहीं। क्लियर है सबको अच्छे से? तो ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया वाई का, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, यहां पर एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो क्वेश्चन है मेरा कि हमारे पास एक आउटपुट y है,
जो इनपुट वेरिएबल ए कॉमा बी कॉमा सी पर डिपेंड करता है. अगेन स्टेटमेंट सेम है स्टार्ट की, ठीक है. तो आपको बोल रहा है आउटपुट वाई विल बी वन, आउटपुट वाई विल बी वन, बट यहां पर कंडीशन सब डिफरेंट है. इफ इफ मेजॉरिटी ऑफ इनपुट्स आर वन, तो क्वेश्चन क्या है हमारा कि आउटपुट वाई इज वन इफ मेजॉरिटी ऑफ इनपुट्स आर वन. क्लियर अच्छे से सबको. तो हमारे पास फिर से सिचुएशन सेम है कि आपका वाई आउटपुट है जो ए बी और सी इनपुट वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रहा है. अब आपको बोल रहा है कि आपका आउटपुट वाई वन होगा, कंडीशन अलग है बस, जब मेजॉरिटी ऑफ द इनपुट्स वन होंगे तो आपको एक्सप्रेशन लिखना है वाई का. तो अगर आप यहां ध्यान से समझो, आपके पास टोटल तीन इनपुट है. मेजॉरिटी वन होने का मतलब क्या होता है? मेजॉरिटी वन होने का मतलब यह होता है कि हो सकता है कि आपके दो वन हो, या हो सकता है आपके तीनों के तीनों वन हो. तो ऑल दो अब आप इतना कुछ पढ़ चुके हो कि आपको डायरेक्ट आंसर लिखते बनना चाहिए, लेकिन स्टिल अगर आप डायरेक्ट नहीं भी लिख सकते हो तो मैंने यहां पर आपके लिए ट्रुथ टेबल बना दिया है. आप ट्रुथ टेबल से भी देख सकते हो. ट्रुथ टेबल से अगर आप देखो तो आपको क्या बोला है, आउटपुट वाई वन होगा जब मेजॉरिटी ऑफ द इनपुट्स आर वन, मीन्स जीरो जीरो जीरो. तीन वेरिएबल के लिए एट कॉम्बिनेशन होंगे, हमने लिख दिए जीरो जीरो जीरो. यहां तो तीनों ही जीरो है तो मेजॉरिटी तो है ही नहीं, तो आउटपुट क्या होगा, जीरो 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 वन, जीरो जीरो वन जीरो, जीरो जीरो वन वन. देख सकते हो आप, आउट ऑफ थ्री इनपुट्स टू इनपुट्स वन है, और तीन में से अगर दो वन है मतलब मेजॉरिटी हो गई. तो वन फिर जीरो फिर वन फिर वन और फिर वन, ठीक है. तो जहां जहां दो इनपुट या दो से ज्यादा इनपुट्स आपके वन है वहां पर आपकी मेजॉरिटी हो जाएगी और वहीं पर आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, वन. तो अब आप सिंपल एसओपी फॉर्म में आउटपुट का एक्सप्रेशन लिख सकते हो. तो देख सकते हो आप जीरो वन वन पर वन है, मतलब ए बार बी सी, फिर वन जीरो वन पर वन है ए बी बार सी, फिर वन वन जीरो पर वन है ए बी सी बार, फिर वन 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 पर वन है मतलब ए बी सी, ठीक है. तो आप बड़े आराम से आंसर लिख सकते हो. और एक्चुअल में अगर आपको ध्यान हो तो अभी अभी एक्सप्रेशन हमने लिखा था जब हमने थ्री वेरिएबल का वेन डायग्राम सॉल्व किया था, ठीक है. सबको क्लियर? तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, लास्ट के दो क्वेश्चन जहां पर आपको थ्योरिकल स्टेटमेंट दी होगी और आपको लिखना होगा एक्सप्रेशन. नाउ यहां पर आपका जो बेसिक बुलियन है, ठीक है, बेसिक बुलियन आपका यहां पर फिनिश होता है, ठीक है, जो बेसिक्स थे आपके. अब मैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि बुलियन के अंदर ही आता है लेकिन बेसिक्स हमने फिनिश कर लिया है, नेक्स्ट टॉपिक यहां पर मैं स्टार्ट कर रहा हूं लॉजिक गेट्स, ठीक है. तो लॉजिक गेट्स जो आपके होते हैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आपके लिए ये. जैसा मैंने कल स्टार्ट में आपको एंड ऑपरेशन और ऑपरेशन बताए थे क्लास के जस्ट स्टार्ट में, तो वहां पर भी मैंने आपको बोला था कि ये लॉजिक गेट्स मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, वो सेपरेटली बहुत ज्यादा डिटेल में आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा. तो यहां पर हमें लॉजिक गेट्स अब डिटेल में स्टडी करने हैं. तो टोटल हमें पता है सेवन गेट्स होते हैं, नॉट एंड और नैंड नॉर एक्सॉर एक्स नॉर, ठीक है. तो हमें सारे के सारे गेट्स बहुत डिटेल में स्टडी कर रहे हैं. अगर आप बात करोगे स्टार्ट के तीन की तो इन्हें हम बोलते हैं बेसिक गेट्स. नैंड और नॉर जो होते हैं वो कहलाते हैं यूनिवर्सल गेट्स. और लास्ट के जो दो होते हैं वो कहलाते हैं स्पेशल गेट्स. तो ये जो टोटल सेवन गेट्स हैं सभी को हमें डिटेल में यहां पर स्टडी करना है. यहां पर मैं आपको शुरू से क्लियर कर दूं, जो आपका नॉट गेट का एनालिसिस होगा
वो बाकी के 6 गेट से थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि नॉट गेट में सिर्फ एक ही इनपुट आप दे सकते हो, जैसे कि एक आप क्या बना सकते हो, ए बार, बट बाकियों में आप दो या दो से ज्यादा भी दे सकते हो, ठीक है। तो नॉट गेट का एनालिसिस थोड़ा सा डिफरेंट होगा और बाकी 6 का काफी मिलता जुलता होगा। तो हम यहां पर स्टार्ट करेंगे नॉट गेट से। नैंड और नॉर गेट को यूनिवर्सल गेट क्यों बोलते हैं, इसको मैं बहुत डिटेल में प्रूफ भी कराऊंगा आप लोगों के लिए। तो फर्स्ट जो गेट है आपका नॉट गेट है, यहां पर नॉट गेट का हम सिंबल बना देते हैं। सबसे पहले अगर इनपुट ए है तो आउटपुट क्या होता है हमारा, ए का बार, ठीक है। सिंबल आई थिंक सबको पता होगा। तो यहां पर अब अगर ट्रूथ टेबल बना दें तो ए 01 तो आंसर क्या होता है 10, मतलब 0 का 1, 1 का 0। तो ये आपका बेसिक है, ठीक है, ये आई थिंक सबको पता होता है नॉट गेट। नाउ यहां पे जो इंपॉर्टेंट हमें स्टडी करना है वो क्या करना है, ध्यान से आप समझना। यहां पर मैं अब दो सर्किट बनाऊंगा और उसके लिए अब आपको कैलकुलेशंस करने हैं। यहां पर ये मेरा फर्स्ट सर्किट है और ये मेरा सेकंड। ठीक है, तो दो सर्किट्स है हमारे पास जिसका हमें अब डिटेल में एनालिसिस करना है। दोनों में ही आप देख सकते हो कुछ नॉट गेट्स लगे हैं। पहले सर्किट में 3 नॉट गेट्स लगे हैं और सेकेंड सर्किट में 4 नॉट गेट्स लगे हैं, ठीक है। बेसिकली 3 और 4 कुछ भी नहीं है, इवन ऑड से यहां पर ज्यादा रिलेशन है, ठीक है। 3 और 4 जस्ट एक एग्जांपल है, पहले में ऑड है, सेकेंड में इवन नंबर ऑफ नॉट गेट्स हैं। तो यहां पर मैं पहले सेकेंड सर्किट ले रहा हूं, आप ध्यान से देखना, आप देख सकते हो दोनों ही सर्किट में फीडबैक आ रहा है, आउटपुट से वापस इनपुट की तरफ फीडबैक जा रहा है आपका, ठीक है। इस पोजीशन से आप अप्लाई करोगे इनपुट और यहां से लोगे आउटपुट, यहां पे इनपुट और यहां पे लोगे आप आउटपुट, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है, अच्छे से समझना दोनों सर्किट को। यहां पर अब देखो, आप देखो इनपुट जब मैं यहां पे 0 देता हूं सेकेंड वाले सर्किट में, तो 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 1, 1 का 0, 0 का 1, 1 का वापस क्या मिलेगा आपको 0 मिल जाएगा। तो मैं सिर्फ फाइनल आउटपुट लिख रहा हूं, तो 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0, ठीक है। तो मैंने जब इनपुट 0 दिया तो मुझे आउटपुट 0 मिला। यहां पर इस बात को समझना कि यहां पर आपका जो फीडबैक है वो कनेक्टेड है, मींस जो ये आउटपुट 0 आया है ये ऑटोमेटिकली फीडबैक के थ्रू वापस में कहां आ जाएगा, इनपुट में आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि सपोज करो मेरे पास एक डिवाइस है, ठीक है, घर में मेरे पास एक डिवाइस पड़ा है, मैंने इनपुट 0 दिया, अब मैं घर से बाहर चला गया, ठीक है, तो आउटपुट 0 आएगा, उसके बाद क्या होगा, वापस से वो आउटपुट जो 0 है वो इनपुट में चला जाएगा, ठीक है, और वापस से वो डिवाइस आपका वर्क करता चला जाएगा और आउटपुट देता चला जाएगा, क्लियर। तो आपका बार बार 0000000000 रिपीट होता चला जाएगा, क्योंकि इनपुट भले ही मैंने एक बार दिया है लेकिन फीडबैक के कारण वो बार बार इनपुट मिलता चला जाएगा और आउटपुट आपको मिलता चला जाएगा, ठीक है। अब मान लो मैंने इनपुट दिया 1, तो 1 का क्या होगा 0, 0 का 1, 1 का 0, फिर 0 का 1, तो अगेन यहां पर ये 1 1 1 1 1 बार बार क्या होता चला जाएगा आपका, रिपीट होता चला जाएगा। मैंने सिर्फ इनपुट एक बार दिया था, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। अब इस फिगर में आ जाओ, इस फिगर में मान लो अगर मैं इनपुट देता हूं 0, तो 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1, तो आउटपुट मेरा क्या आ जाएगा, यहां पर 1 आ जाएगा। अगेन मैंने सिर्फ इनपुट एक बार दिया है ना, ध्यान रखना मैं घर से बाहर जा चुका हूं, अब ये 1 जो है वो ऑटोमेटिक फीडबैक के थ्रू इनपुट में आएगा और ये 1 जो है उसके कारण क्या मिल जाएगा आपको 0, फिर क्या मिलेगा 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1 एंड सो ऑन, ठीक है।
अब मान लो मैं इनपुट अगर 1 देता हूं तो 1 से क्या मिलेगा, 0, 0 का 1, 1 का 0। अब यही जो 0 आउटपुट मिलेगा वो वापस से कहां आएगा, इनपुट पे, और 0 का वापस क्या मिल जाएगा, 1, फिर 1 का 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, so on। तो यहां पर ये जो दो एग्जांपल मैंने आपको दिए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अभी आपको मिलने वाला है इसके थ्रू, आप ध्यान से समझना इसे, कि ये जो सेकंड फिगर था इसमें मैंने जब इनपुट 0 दिया और मैं जब घर से बाहर चला गया, मान लो आप सिंपल लैंग्वेज में, तो आउटपुट जो है वो बार बार 0 0 0 0 0 0 0 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो जो भी बंदा आउटपुट को ऑब्जर्व कर रहा होगा वो तो यही देखेगा कि बार बार 0 0 0 0 0 0 आ रहा है, इसका मतलब आउटपुट क्या है, 0 है, ठीक है ना। और वैसे ही मान लो मैं अगर इनपुट 1 दे रहा हूं तो आउटपुट बार बार क्या रिपीट हो रहा है, 1 1 1 1 1 1 1, तो मैं क्या समझूंगा या जो भी आउटपुट चेक कर रहा होगा वो क्या समझेगा कि आउटपुट क्या है, 1 है, ठीक है। अब यहां पर देखो, जब इनपुट मैं 0 दे रहा हूं तो आउटपुट क्या हो रहा है आपका, 1 0 1 0 1 0 1 0। मैंने सिर्फ इनपुट 0 दिया था, ध्यान रखना, तो आउटपुट बार बार आपका 1 0 1 0 1 0 चेंज हो रहा है। तो जो भी आउटपुट ऑब्जर्व कर रहा होगा वो कैसे समझेगा कि आउटपुट क्या है, वो तो बार बार फ्लक्चुएट हो रहा है ना। ऑल दो इस फिगर में भी आउटपुट बार बार मिल रहा था, लेकिन आउटपुट बार बार सेम मिल रहा था, लेकिन इस फिगर में आउटपुट बार बार चेंज हो रहा है। तो जो भी आउटपुट ऑब्जर्व कर रहा है वो कैसे समझ पाएगा कि आउटपुट 0 है कि आउटपुट 1 है। सेम जब आप यहां पर 1 भी देते हो तब भी आउटपुट लगातार आपका फ्लक्चुएट होता है, ठीक है ना। ये ऐसी बात हो गई कि मान लो अगर मैं किसी स्टूडेंट को बोलूं कि, या किसी भी बंदे को मैं बोलूं आप मेरा कोई काम करोगे, तो वो अगर बार बार बोलता जाए नहीं करूंगा नहीं करूंगा नहीं करूंगा, तो मैं बिल्कुल श्योर रहूंगा कि वो बंदा मेरा काम नहीं करेगा, ठीक है। अगर वो बार बार बोलता जाए हां मैं करूंगा हां मैं करूंगा, तो मैं श्योर रहूंगा कि वो बंदा मेरा काम करेगा। लेकिन अगर मैं बोलूं आप मेरा काम करोगे और कोई बोले हां करूंगा, फिर 2 मिनट बाद बोले नहीं करूंगा, फिर बोले करूंगा, फिर बोले नहीं करूंगा, तो हमेशा मैं कंफ्यूज रहूंगा कि वो बंदा मेरा काम करेगा कि नहीं करेगा। क्लियर है अच्छे से। तो यहां पर आपको एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर रखना है कि ये जो आपका पहला फिगर है इसमें आपका 0 का 1, 1 का 0, मतलब आउटपुट लगातार आपका क्या हो रहा है, चेंज, मीन्स आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे। तो इस तरह के सर्किट को आप कहते हो अस्टेबल टाइप ऑफ सर्किट, और ये जो आपका सेकेंड वाला है इसको आप कहते हो बाईस्टेबल, ठीक है। तो यहां पर अस्टेबल का मतलब क्या होता है, देखो बेसिकली यहां पर ना डिजिटल लॉजिक में जो हम पढ़ते हैं अपने सीएस के सिलेबस में, डिजिटल लॉजिक में आपके दो स्टेट होते हैं, या तो 0 होता है या तो 1 होता है, ठीक है। तो 0 के रेस्पेक्ट में जो आउटपुट मिल रहा है वो भी आपका अनस्टेबल है, बार बार चेंज हो रहा है 1 0 1 0 1 0, और जो 1 के रेस्पेक्ट में आउटपुट मिल रहा है वो भी आपका अनस्टेबल है, बार बार चेंज हो रहा है। तो दोनों के दोनों, 0 और 1 दोनों के रेस्पेक्ट में जो आउटपुट मिल रहा है वो दोनों के दोनों आपके क्या है, अनस्टेबल है। तो इसे आप कहते हो अस्टेबल टाइप ऑफ सर्किट। और अगर आप इसे देखते हो 0 के रेस्पेक्ट में देखो तब भी आपका आउटपुट 0 पर स्टेबल है, 1 के रेस्पेक्ट में देखोगे तब भी आपका आउटपुट क्या है, 1 पर स्टेबल है। तो इसे आप कहते हो बाईस्टेबल टाइप ऑफ सर्किट, मींस 0 के रेस्पेक्ट में और 1 के रेस्पेक्ट में, दोनों ही रेस्पेक्ट में आपका आउटपुट क्या है, स्टेबल है। क्लियर है अच्छे से। तो यहां पर सर्किट आपको कोई सॉल्व नहीं करना है, ये सिंपल सा आपका नॉट गेट के एग्जांपल थे, ठीक है। और जब आप फ्लिप फ्लॉप भी पढ़ते हो, फ्लिप फ्लॉप भी आपका एक टाइप का बाईस्टेबल सर्किट ही है और कुछ नहीं। क्लियर है सबको। नाउ यहां पर अब आप समझ गए होंगे जो मैंने स्टार्ट में आपको बोला था कि जो ये एग्जांपल्स हैं आपके, जहां पर मैंने 3 नॉट गेट या 4 नॉट गेट लिए हैं, ये जो आपका एग्जांपल है ये 3 या 4 नॉट गेट का नहीं है, बेसिकली ये इवन या ऑड का है। अगर आप यहां पर देखते हो तो ये जो है आपका
अगर यहां पर 5 नॉट गेट भी होते, ठीक है, मैंने यहां पे 3 का एग्जांपल लिया, मान लो 5 भी होते, तो 5 होते तो क्या होता, 0 का 1, 1 का 0, फिर 0, फिर 1, फिर 0, इस तरीके से वो बार बार चेंज होता, लेकिन आपका आउटपुट 5 पर भी फ्लक्चुएट ही करता। और सेम यहां पर मैंने यहां पर 4 दिए हैं, अगर मैं 6 भी लेता तब भी आपका आउटपुट 0 का 0 ही आता और 1 का 1 ही आता। तो बेसिकली बात क्या है, इस तरह के सर्किट में अगर इवन नंबर ऑफ नॉट गेट हो तो हमेशा बाईस्टेबल होंगे, और अगर ऑड नंबर ऑफ नॉट गेट हो तो हमेशा क्या होगा, अस्टेबल होगा। तो यहां पर अस्टेबल टाइप के सर्किट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन भी है, काफी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, वो क्या है ध्यान से समझना आप। देखो हमारे सिलेबस पे ना, आप देखोगे अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कंप्यूटर साइंस में नेट के देख लो, गेट के देख लो, या किसी पीएसयू के देख लो, डिले वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो आपके डिले वाले क्वेश्चन है ना, वो मैं आपको स्टार्ट से ही कराना चालू कर दूंगा। जिस जिस टॉपिक में डिले वाले क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपको बताऊंगा। तो यहां पर ये टॉपिक बहुत बड़ा है, इसको अच्छे से समझो अभी बिल्कुल आराम से। तो यहां पर ना डिले वाले क्वेश्चन को ना अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी होता है, किसी भी सर्किट में डिले को समझना बहुत जरूरी है। तो जैसे मैं अस्टेबल वाला सर्किट जो हमने प्रूफ कर लिया है, उसमें मान लो अगर हर एक नॉट गेट का डिले टीपीडी आपको दिया हुआ है, हर एक नॉट गेट का डिले कितना दिया है, टीपीडी। अब ये टीपीडी होता क्या है, अभी तो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं ना, तो टीपीडी वर्ड को भी क्लियर कर लेते हैं। पीडी मीन्स होता है प्रोपगेशन डिले। प्रोपगेशन डिले का मतलब क्या होता है, जब भी किसी डिवाइस को आप कोई इनपुट देते हो तो वो आउटपुट देने में जितना टाइम लेता है ना, ऑब्वियसली बात है ना, लॉजिक गेट, कोई ना कोई लॉजिक लगाएगा तभी तो आउटपुट देगा, तो जितना टाइम लेता है आउटपुट देने में वही कहलाता है उसका प्रोपगेशन डिले, ठीक है। तो हर एक लॉजिक गेट का मुझे यहां डिले दिया हुआ है इस वाले सर्किट में। यहां पर ध्यान रखना कि ना जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं या जो स्टैंडर्ड बुक्स भी हैं उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, वायर का डिले आप कभी नहीं लोगे। मीन्स ये जो जहां पर कोई एलिमेंट कनेक्टेड नहीं होगा उसका आप डिले नहीं लोगे। मतलब जैसे जो आउटपुट से लेकर इनपुट तक जो फीडबैक आ रहा है उसमें अगर आप देखोगे तो यहां पर आपका कोई भी एलिमेंट कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो यहां पर इस वायर का आपको डिले कंसीडर नहीं करना है, क्लियर है। डिले वाले क्वेश्चन का बेस मैं आपके लिए बना रहा हूं अभी, ठीक है। तो ये जो आपके ऑड नंबर ऑफ नॉट गेट हैं, जो आपके अस्टेबल सर्किट हैं, उसमें हमने डिले वाला कंसेप्ट टीपीडी 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 ले लिया। अब देखो ध्यान से, मान लो आपने इनपुट दिया जीरो, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, जब आप इनपुट जीरो दिए थे तो जीरो का वन मिला, वन का जीरो, फिर जीरो का क्या मिला आपको, वन मिला। तो टोटल कितने डिले लगे, हर एक नॉट गेट का डिले कितना है टीपीडी, तो जीरो से वन मिलने तक कितना डिले लगा टोटल, टीपीडी प्लस टीपीडी प्लस टीपीडी, कितना लग गया, थ्री टीपीडी का, क्लियर है अच्छे से। तो आपका जो आउटपुट वन मिला है, आपका जो आउटपुट वन मिला है, इसको ध्यान से समझना, मैं आउटपुट को ड्रॉ कर रहा हूं, बहुत सिंपल है। जो आपका आउटपुट वन मिला है वो कितने टाइम के बाद मिला, थ्री टीपीडी के बाद। अब अगली लाइन को ध्यान से सुनना, ये जो आपका आउटपुट वन है, ये जो आपका आउटपुट वन है, ये यहां पर आएगा, इनपुट में आएगा। मैंने आपको क्या बोला, हम कभी भी वायर का डिले कंसीडर नहीं करेंगे। तो इसका मतलब इस आउटपुट को इनपुट में आने तक कोई भी एलिमेंट बीच में कनेक्टेड नहीं है, तो कोई भी डिले आप नहीं लेकर चलोगे। तो फिर जब तक ये जो वन है ये वापस से तीन नॉट गेट से पास नहीं हो जाता, तब तक आपका आउटपुट आपको जीरो नहीं मिलेगा। ये पॉइंट सबको क्लियर है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जीरो जो है वो तीन नॉट गेट से पास हुआ तो आपको वन मिला। अब ये वन जो है वो यहां तक आ गया इनपुट तक, जिसमें कोई डिले नहीं लगा। अब ये वन जब वापस से तीन नॉट गेट से पास होगा तभी तो आपका आउटपुट क्या आएगा, जीरो आएगा। इसका मतलब जो वन वाला आउटपुट था वो कब तक वन रहेगा, वो थ्री टीपीडी तक वन रहेगा, क्योंकि ये जो वन वाला आउटपुट था वो इनपुट में आया और फिर तीन नॉट गेट से पास होगा तभी तो आपको अगला आउटपुट क्या मिलेगा, जीरो।
तो जब तक आपको अगला आउटपुट नहीं मिलता प्रीवियस आउटपुट ही बना रहेगा, तो प्रीवियस आउटपुट जो 1 मिला था वो कब तक 1 रहेगा, 3TPD तक। एंड इसके बाद क्या हो जाएगा आउटपुट आपका, 0। अब ये जो 0 आउटपुट आया ये फिर से इनपुट में आएगा और कितने नॉट गेट से पास होगा, वापस से 3 नॉट गेट से। तो जब ये 3 नॉट गेट से पास हो जाएगा तो वापस से आउटपुट आपका कितना हो जाएगा, 1। तो ये भी कितने टाइम तक रहेगा, 3TPD तक। तो अब आप समझ गए होंगे ये 1010 आपका आउटपुट जो है वो बनता चला जाएगा और हर एक की ड्यूरेशन आपकी कितनी होगी, 3TPD की। क्लियर सबको अच्छे से? तो अगर आप इस फिगर को देखते हो ना, तो ये फिगर है क्या बेसिकली, अगर आप लोगों ने कभी भी ऐसी कोई वेव देखी होगी तो इस तरह के फिगर को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर वेव। ठीक है, इस तरह का फिगर आपका क्या होता है, स्क्वायर। ठीक है, आप देख सकते हो एक स्क्वायर वेव बन रही है। तो अस्टेबल सर्किट का जो आपने अभी यहां पर बनाया है, जो अभी आप लोगों ने यहां पर समझा है, उसका मेन एप्लीकेशन क्या है, उसका मेन एप्लीकेशन ये है कि उससे हमेशा एक स्क्वायर वेव बनती है। ठीक है, और हर एक 1 या 0 का टाइम कितना है, 3TPD। ठीक है, तो जो समझ गए हो अच्छे से वो कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर करो कि ये जो स्क्वायर वेव बनी है उसका टाइम पीरियड कितना होगा। टाइम पीरियड समझते हो ना, जिसके बाद वेव अपने आप को या जिसके बाद फिगर अपने आप को रिपीट करता है, तो इस स्क्वायर वेव का टाइम पीरियड कितना होगा, कमेंट सेक्शन में लिखो एक बार, इस स्क्वायर वेव का टाइम पीरियड। गुड, वेरी गुड, एक आंसर आया है, बहुत ही बढ़िया। इसके अलावा और कोई, देखो आंसर चाहे रॉन्ग हो चाहे सही हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हमेशा आपको आंसर देने की कोशिश करनी है। 10 बार गलत दोगे लेकिन 11वीं बार फिर सही देना सीख जाओगे। ठीक है, तो बिल्कुल सही है दोनों का आंसर, जो दो लोगों ने आंसर किया है, आंसर होगा आपका 6TPD। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हो 3TPD 1 रहा, फिर 3TPD 0 रहा, उसके बाद से फिर 1010 चालू हो गया, मतलब 6TPD के बाद आपका जो फिगर है वो रिपीट कर रहा है, आपकी स्क्वायर वेव रिपीट कर रही है। तो इसका जो टाइम पीरियड होगा वो हो जाएगा आपका 6TPD। ठीक है, तो अगर एग्जाम में कभी डिले वाला कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो हो सकता है आपसे टोटल डिले पूछ ले, हो सकता है आपसे टोटल टाइम पीरियड पूछ ले, तो आपको इस तरह से अप्रोच करनी है। ठीक है, मुझे पता है कंसेप्ट बहुत ज्यादा है ये, ठीक है, शायद फर्स्ट टाइम भी पढ़ रहे होगे, लेकिन आपको गेन करना है इसे, कहीं डाउट है तो आपको क्लियर भी करना है इस कंसेप्ट में। नाउ यहां पर जैसा एक कमेंट में भी लिखा था एक स्टूडेंट ने और हमें क्लियर भी हो चुका है कि जब भी ये ऑड नंबर ऑफ नॉट गेट होंगे तो ये क्या बनेगा, अस्टेबल। अस्टेबल मतलब 0101 आउटपुट में रिपीट होता रहेगा, फ्लक्चुएट होगा आपका आउटपुट। तो इसका मतलब क्या है कि आपके जब 3 नॉट गेट थे जो कि ऑड थे तो आंसर कितना आया टाइम पीरियड का, 6TPD, जबकि हर एक नॉट गेट का डिले इक्वल था। ठीक है, तो अगर मान लो 5 होते तो 5 नॉट गेट होते तब भी अस्टेबल होता, ये सबको क्लियर है? तो 5 नॉट गेट होते तो कितना आता टाइम पीरियड, कमेंट सेक्शन में लिखो इसको। अगर 5 नॉट गेट होते तो कितना आता, 10। ठीक है, करेक्ट है, 5 नॉट गेट होते तो आपका 10TPD आ जाता। इसका मतलब क्या है कि जो टाइम पीरियड होगा वो हमेशा क्या होगा, 2NTPD, वेयर N इज नंबर ऑफ नॉट गेट। एंड एक और पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, N शुड बी ऑड, आपका N हमेशा क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। ठीक है, तो N शुड बी ऑड। ठीक है, इस पॉइंट को मैं फिर से क्लियर कर देता हूं, एक स्टूडेंट को डाउट है,
देखो जब तीन नॉट गेट थे ठीक है तो 3 टीबीडी तक 1 रहा, 3 टीबीडी तक 0 रहा, तो टोटल कितना हो गया 6। जब 5 नॉट गेट होंगे तो 0 को 1 बनने के लिए 5 टीपीडी क्रॉस करना पड़ेगा ठीक है, और 1 को वापस से 0 बनने के लिए फिर से 5 टीपीडी क्रॉस करना पड़ेगा। तो जब 3 थे तो 3 3 6 हो गया, जब 5 हो जाएंगे तो 5 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, जब 7 हो जाएंगे तो 7 7 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जितने नॉट गेट होंगे उसका जस्ट डबल, तो 2n TPD। और कैपिटल N आपका ऑड क्यों होना चाहिए, कैपिटल N ऑड इसलिए होना चाहिए क्योंकि ऑड में ही आपका कौन सा सर्किट बनता है अस्टेबल। क्लियर है अच्छे से, तो ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था नॉट गेट से रिलेटेड। तो जैसा मैंने आपको बोला था स्टार्ट में ही कि नॉट गेट का कंसेप्ट थोड़ा अलग होगा बाकी सारे गेट्स का आपका सेम होगा ठीक है। तो यहां पर आपका टाइम पीरियड आ गया, उसके बाद ये बार बार आपका रिपीट होता रहेगा। क्लियर है अच्छे से, नेक्स्ट अब आप लिखो एंड गेट। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट होगा एंड गेट का ठीक है। एक पॉइंट हमेशा ध्यान में रखना, जैसे आपने देखा अभी नॉट गेट में हमने कितना कुछ नया पढ़ा ठीक है। तो हमारा जब हम कोई स्टडी करें तो हमारा टारगेट सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि हम नॉट गेट का ट्रुथ टेबल रट के बैठ जाएं कि 1 का 0 होता है 0 का 1 होता है, जितनी भी उसमें पॉसिबिलिटी बन सकती है वो हमें समझना आना चाहिए, वो हमें पता होनी चाहिए ताकि एग्जाम में कोई भी एग्जाम हम दे हमसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए ठीक है। नाउ एंड गेट क्या होता है, एंड गेट का सिंबल इस तरीके का होता है आपका, और आंसर क्या होता है आपका y इक्वल टू ए बी। एंड गेट एंड ऑपरेशन हम बहुत बार देख चुके हैं कल और आज की क्लास में ठीक है। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ऑल दो हम 2 इनपुट्स का एंड गेट लिए हैं, 2 इनपुट से ज्यादा भी होते हैं, हो सकता है 3 इनपुट्स का एंड गेट हो, ए इंटू बी इंटू सी भी आप कर सकते हो ठीक है। तो यहां पर अभी हम लोग 5 मिनट्स का पहले ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद इस एंड गेट का एनालिसिस हम लोग स्टार्ट करेंगे। जस्ट 5 मिनट्स का ही ब्रेक होगा ठीक है। ओके सो एंड गेट जो हम लोग स्टार्ट किए हैं अभी, बेसिकली एंड गेट का सिंबल हो गया और एंड गेट का जो ऑपरेशन है ऑलरेडी हमें पता है, लेकिन यहां पर भी एक पॉइंट है जो आप एंड गेट का जो इक्वेशन आप हमेशा याद रखते हो ए इंटू बी, एंड ऑपरेशन मतलब आप क्या याद रखते हो हमेशा ए इंटू बी, तो ये आता कहां से एक्चुअल में, ये भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए। देखो आप ध्यान से, अगर आप y देखो आउटपुट को तो देखो आउटपुट आपका कहां पर 1 है, लास्ट पोजीशन पर, और अगर मैं एसओपी फॉर्म में इक्वेशन लिखूं तो जहां पर आपका 1 होता है उसके रेस्पेक्ट में आउटपुट लिखते हो तो 1 1 पर 1 है तो a इंटू बी, तो यहीं से आता है आपका इक्वेशन। शायद आपने पहले कभी ऐसा ऑब्जर्व नहीं किया होगा ठीक है ना, या हो सकता है किया भी हो, यहां पर हम सिर्फ इक्वेशन याद करके बैठ जाते हैं, लेकिन ये बहुत सिंपल है, आपको ट्रुथ टेबल भी याद होता है, बस आपको रिलेट करना था ठीक है। नाउ ये तो हमें ऑलरेडी पता था एंड ऑपरेशन क्या होता है, अब इस पे न्यू थिंग्स हमें क्या पढ़नी है वो इंपॉर्टेंट है। तो आप ध्यान से देखो, हमें यहां पर सबसे पहले जो स्टडी करना है वो करना है इनेबल डिसेबल, एंड गेट से लेकर लास्ट एक्स और एक्स नॉट तक मैं आपको हर जगह ये कंसेप्ट सिखाऊंगा इनेबल डिसेबल। तो आप ध्यान से देखो, अब आपको ये चेक करना है कि आपका एंड गेट जो है
वो कब इनेबल होगा और कब डिसेबल होगा। तो जो प्रोसेस होता है चेक करने का वो मैं आपको अब समझाने जा रहा हूं। देखो ध्यान से, ये जो आपका एंड गेट है फर्स्ट वाला, उसमें मैंने एक ए लिया है और एक कंट्रोल जीरो लिया है, कांस्टेंट जीरो कांस्टेंट है आपका। दूसरे वाले एंड गेट में एक इनपुट ए लिया है, दूसरा लिया है कंट्रोल वन जो कि कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब अगर ए जो आपका वेरिएबल है, ए आपका जीरो भी हो सकता है, ए आपका वन भी हो सकता है। तो अगर आपका ए जीरो होता है तो जीरो इंटू जीरो, क्योंकि दूसरा इनपुट जीरो है तो आउटपुट क्या होगा, जीरो होगा। अगर ए आपका वन होता है तो वन इंटू जीरो, फिर से आउटपुट क्या होगा, जीरो होगा। ध्यान से समझ लो, ए आपका कोई वेरिएबल है तो वेरिएबल जीरो भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, लेकिन जो दूसरा इनपुट है वो तो जीरो है ना, और एंड गेट में अगर कोई भी जीरो होगा तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। तो ए चाहे जीरो हो चाहे वन हो, आउटपुट आपका जीरो आएगा। सेकेंड देखो आप, सेकेंड फिगर को, ए जब जीरो होगा, दूसरा कंट्रोल क्या है आपका, वन है, जीरो इंटू वन क्या होगा, जीरो। ए जब वन होगा तो वन इंटू वन आंसर क्या आ जाएगा, वन, ठीक है। तो फर्स्ट फिगर में आपका जीरो पर जीरो आया, वन पर वन आया, वन पर भी जीरो आया। सेकेंड फिगर में जीरो पर जीरो आया, वन पर वन आया। तो अब किसको इनेबल बोलेंगे, किसको डिसेबल बोलेंगे, ये आप अच्छे से समझ लो। देखो, इनेबल का मतलब कहीं से भी ये नहीं है कि आउटपुट जीरो है कि आउटपुट वन है। ध्यान रखना, हमारे कंप्यूटर के लिए जीरो और वन में से ऐसा कुछ नहीं है कि जीरो बड़ा है या वन बड़ा है। तो इनेबल डिसेबल चेक कैसे करते हैं, इनेबल ऐसे चेक करते हैं कि अगर आपका इनपुट चेंज हो रहा है, जैसे ए की वैल्यू जीरो वन, इनपुट अगर चेंज हो रहा है तो अगर आउटपुट भी चेंज हो तो आप बोलते हो इनेबल। अगर आप पहले फिगर में देखो तो आपका इनपुट जीरो से वन चेंज हुआ लेकिन आउटपुट जीरो का जीरो ही रहा। अगर आउटपुट वन का वन भी रहता तब भी आप डिसेबल ही बोलते, आउटपुट यहां पर जीरो का जीरो है तब भी आप डिसेबल ही बोलोगे। तो इनेबल कब होता है आपका, जब इनपुट को चेंज करोगे तो आउटपुट भी क्या होना चाहिए, चेंज। यहां पर एक बात मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इनडायरेक्ट वे में ऑलरेडी रिपीट कर चुका हूं मैं, कि आपको हॉरिजॉन्टली नहीं देखना, मतलब जीरो का आउटपुट जीरो है, वन का वन है, ये नहीं देखना है आपको। आउटपुट चाहे जीरो का जीरो आए चाहे जीरो का वन आए, उस बात से कोई मतलब नहीं है इनेबल डिसेबल में। आपको क्या देखना है, वर्टिकली, कि जब आप इनपुट चेंज किए तो आउटपुट चेंज हो रहा है कि सेम आ रहा है। अगर दोनों इनपुट्स के लिए आउटपुट सेम है, इसका मतलब डिवाइस वर्क ही नहीं कर रहा ना, तभी तो दो डिफरेंट डिफरेंट इनपुट के लिए आउटपुट आपका क्या है, सेम है, ठीक है। तो इसे आप क्या होगे, डिसेबल, और इसे आप क्या बोलोगे, इनेबल। क्लियर है अच्छे से? तो ये आपका इनेबल और डिसेबल का कंसेप्ट होता है। तो एंड गेट में आपका इनेबल होता है कंट्रोल वन, ठीक है। तो कंट्रोल वन में आपको इनेबल मिलता है एंड ऑपरेशन में। क्लियर अच्छे से? नाउ नेक्स्ट जो कंसेप्ट हमें स्टडी करना है एंड गेट में, वो है आपका अनयूज्ड इनपुट। ये अनयूज्ड इनपुट क्या होता है आपका? तो अनयूज्ड इनपुट का मतलब ये होता है, सपोज करो, सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूं। सपोज करो मैं लैब गया, ठीक है, लैब जाकर मेरा टारगेट था कि मुझे सिर्फ और सिर्फ ए इंटू बी परफॉर्म करना था। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ दो इनपुट थे, मुझे एक एंड गेट की रिक्वायरमेंट थी दो इनपुट वाले, और मुझे ए इंटू बी परफॉर्म करना था। लेकिन जब मैं लैब पहुंचा तो मैंने क्या देखा कि कोई भी ऐसा एंड गेट अवेलेबल ही नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ दो इनपुट वाला हो। सारे के सारे एंड गेट जो है वो थ्री इनपुट वाले अवेलेबल है। तो पर मेरे पास तो सिर्फ दो वेरिएबल हैं, मुझे क्या करना है, ए इंटू बी करना है। तो मैं क्या करूंगा, तो यहां पर आप देख सकते हो, जब आपके पास सिर्फ दो वेरिएबल हैं तो जो थर्ड वाला इनपुट होगा इस एंड गेट का वो अनयूज्ड कहलाएगा। यही कंसेप्ट होता है अनयूज्ड इनपुट का। तो मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट है कि मुझे ए इंटू बी करना है। अब एंड गेट का काम क्या होता है, एंड गेट में जितने इनपुट होते हैं वो सबको मल्टीप्लाई कर देता है, ठीक है। एंड गेट का काम यही होता है, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम एंड गेट का काम याद रखें तो।
तो यहां पर मैं थर्ड इनपुट को ऐसा क्या दूं कि मेरा आंसर जो है वो ए बी ही आए। आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर करो कि थर्ड इनपुट को मुझे ऐसा क्या देना चाहिए कि आंसर आपका ए बी ही आए, जो मेरा टारगेट था ओरिजिनल। क्या करना चाहिए हमें थर्ड इनपुट को? ठीक है, गुड। थर्ड इनपुट को हम लिख सकते हैं वन, क्योंकि एंड गेट का काम क्या होता है, तीनों को मल्टीप्लाई करना, तो कितना हो जाएगा ए बी वन। तो ए बी वन आंसर क्या आ जाएगा आपका ए बी। क्लियर है सबको अच्छे से? तो अनयूज्ड इनपुट जो एंड गेट के केस में होता है वो होता है आपका वन। ठीक है, इनेबल भी हम लोगों ने पढ़ा, इनेबल भी होता है आपका कंट्रोल वन, अनयूज्ड इनपुट भी होता है आपका कंट्रोल, अनयूज्ड इनपुट भी होता है आपका वन। सबको क्लियर है अच्छे से? अनयूज्ड इनपुट एंड इनेबल। नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है एंड गेट में, वो हमें स्टडी करना है कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, हर गेट में हम स्टडी करेंगे ये प्रॉपर्टीज। तो कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपकी क्या होती है? देखो, कम्यूटेटिव आप नंबर्स के लिए तो पढ़ते ही हो मैथ्स में, ठीक है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि आप अगर ऑर्डर चेंज कर दो, ठीक है, अगर आप ए बी सी करो, चाहे बी सी ए करो, चाहे सी बी ए करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप बिल्कुल अपनी रियल लाइफ से समझो तो चाहे आप 2 × 3 × 4 करो, चाहे 4 × 3 × 2 करो, मीनिंग क्या है आपकी, सेम है। तो एंड गेट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपकी क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। मतलब चाहे आप ए बी सी कर दो तब भी आंसर ए बी सी आएगा, चाहे आप सी बी ए कर दो तब भी आंसर आपका सी बी ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बी सी ही आ जाएगा। ठीक है, तो इनपुट का ऑर्डर चेंज करने से एंड ऑपरेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसे आप क्या कहते हो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो एंड गेट विल सेटिस्फाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी होती है एंड गेट में एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का क्या मतलब होता है कि चाहे आप ए बी सी एक साथ कर दो, चाहो तो ए बी इंटू सी कर दो, चाहो तो ए इंटू बी सी कर दो। मतलब क्या है इस पॉइंट का कि अगर आप ए बी सी एक साथ कर देते हो तब भी आंसर ए बी सी आएगा, अगर आप पहले ए और बी कर दो फिर एक और एंड गेट का यूज करके सी से परफॉर्म कर दो ऑपरेशन तब भी आंसर क्या आएगा, ए बी सी आएगा। तो इसे हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एंड गेट जो है आपका वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करता है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी आपकी सेटिस्फाई करता है। क्लियर है सबको अच्छे से? तो एंड गेट में ये थ्री इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें स्टडी करने थे, अनयूज्ड इनपुट, इनेबल डिसेबल एंड कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नाउ एक बार अगर हम लोगों ने एंड गेट पढ़ लिया उसके बाद अब और गेट पढ़ना बहुत इजी है। ठीक है ना, एंड के साथ और बहुत इजी हो जाएगा, नैंड के साथ नॉर बहुत इजी होगा, एक्सॉर के साथ एक्स नॉर बहुत इजी होगा। ठीक है, तो जो और गेट आपका होता है वो क्या होता है आपका, ए बी, आंसर क्या होता है ए प्लस बी। यहां पर अगेन दो से ज्यादा इनपुट भी हो सकते हैं, मैंने यहां पर आपको दो इनपुट का एग्जांपल दिया है। और ऑपरेशन हम जानते ही हैं, ए बी 00 01 10 11 कितना हो जाएगा 0 1 1 1। ठीक है, यहां पर देखो कल हम लोगों ने ना एक फॉर्म पढ़ा था, एसओपी फॉर्म और पीओएस फॉर्म। मैंने आपको पीओएस फॉर्म पढ़ाते टाइम बोला था कि जहां कंपल्शन ना हो वहां पीओएस फॉर्म यूज मत करो। ठीक है, यहां भी कंपल्शन नहीं था इक्वेशन लिखने के लिए कि आप पीओएस यूज करो कि एसओपी यूज करो, लेकिन आप एक बात सोच के देखो, पीओएस फॉर्म के लिए इक्वेशन आप कब लिखते हो, जब आउटपुट क्या हो, जीरो हो। ठीक है, एसओपी के लिए कब लिखते हो, जब आउटपुट क्या हो, वन हो। अगर आप यहां पर एसओपी फॉर्म में लिखने की कोशिश करोगे, सॉल्व करने के बाद वो वापस से ए प्लस बी ही आएगा, लेकिन सोचो यहां पर तीन वन है तो आपको थ्री टर्म्स लिखने पड़ेंगे और उनको सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन एक सिंगल जीरो है तो आपको सिर्फ एक ही टर्म लिखना पड़ेगा अगर आप पीओएस में लिखते हो।
तो कई बार पीओएस में लिखना एडवांटेजियस भी होता है, ठीक है ना। तो आपको एसओपी यूज करना चाहिए, इट्स ओके, लेकिन जहां पर नंबर ऑफ जीरोस कम हो विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ वन, तो हमेशा क्या यूज करना चाहिए फिर आपको, पीओएस। तो अगर आप पीओएस फॉर्म में इक्वेशन लिखते तो क्या हो जाएगा, जीरो है। पीओएस फॉर्म में आपको याद होगा जीरो को नॉर्मल लिखते थे वेरिएबल और वन को कॉम्प्लीमेंट करते थे, तो यहां पर डायरेक्टली क्या आ जाता, ए प्लस बी। देख सकते हो पीओएस फॉर्म में जो हर एक टर्म आता था वो प्लस वाला टर्म आता था, प्रोडक्ट ऑफ सम्स, तो ए जीरो बी जीरो, तो ए प्लस बी, सीधा सीधा आंसर आया था एक स्टेप में, ठीक है। नाउ यहां पर सेम जो हमने एंड गेट में किया था इनेबल डिसेबल, हम और गेट में भी करेंगे, ठीक है। तो इनेबल डिसेबल आपको कैसे चेक करना है, आपको एक वेरिएबल देना है ए और एक आपको कंट्रोल देना है जीरो, और दूसरे फिगर में फिर से एक वेरिएबल देना है ए और एक आपको कंट्रोल देना है वन, ठीक है, और आपको चेक करना है इनेबल डिसेबल। तो जिन्होंने एंड गेट में इनेबल डिसेबल समझ लिया है वो जल्दी से चेक करके बताओ कि कंट्रोल जीरो पर इनेबल होगा कि कंट्रोल वन में होगा, ठीक है, बस वन या जीरो लिख दो कमेंट सेक्शन में, जिन्होंने एंड गेट का समझ लिया है, ठीक है। जिनको क्लियर नहीं हुआ होगा मैं वापस से समझाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चेक करो फटाफट जैसा प्रोसेस मैंने बताया था आपको एंड में इनेबल डिसेबल का। किसी से भी हो पा रहा है, ओके, एक आंसर आया है अभी, और कोई, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ एक ही आंसर, दो आंसर आ गए। अब देखो यहां पर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बाकी अगर किसी को समझ में ना आया हो तो, मैंने दो फिगर यहां पर बनाए हैं, एक है आपका कंट्रोल जीरो, एक है कंट्रोल वन, तो ए जीरो भी हो सकता है, ए वन भी, ए जीरो भी हो सकता है, ए वन भी हो सकता है, ठीक है। तो जीरो प्लस जीरो आंसर क्या होता है, जीरो, क्योंकि और ऑपरेशन है। वन प्लस जीरो आंसर क्या होता है, वन, लेकिन जब कंट्रोल वन होगा तो जीरो प्लस वन आंसर क्या होगा, वन, वन प्लस वन आंसर क्या होगा, वन। तो अगर किसी को डाउट रहा भी होगा तो वापस से समझ लो, मैंने आपको उस टाइम यही बोला था कि आपको हॉरिजॉन्टली नहीं देखना किस इनपुट के लिए क्या आउटपुट मिल रहा है, ये चेक नहीं करना, आपको देखना है वर्टिकली कि इनपुट चेंज करने से क्या आउटपुट चेंज हो रहा है। तो देख लो यहां पर आउटपुट डिफरेंट डिफरेंट है, जीरो है और वन है, लेकिन अगर नीचे वाले फिगर में देखोगे तो आउटपुट आपका दोनों में वन वन है, वन वन है। इसका क्या मतलब है कि इनपुट के चेंज करने से आउटपुट चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब नीचे वाला क्या होगा, डिसेबल, और ऊपर वाला क्या होगा आपका, इनेबल, ठीक है। तो अगेन सिर्फ वर्टिकली देखो, कुछ भी मत करो, सीधा यहां जाके देखो आउटपुट अलग अलग है कि सेम है, आउटपुट यहां अलग अलग है मतलब इनेबल, आउटपुट यहां सेम है मतलब डिसेबल, दैट्स इट, और कुछ मत करो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट जो कंसेप्ट था एंड ऑपरेशन में जो हमने पढ़ा था वो था अनयूज्ड का। अनयूज्ड का कंसेप्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर मान लो आपके पास दो इनपुट्स हैं, दो वेरिएबल्स हैं, आपको करना था ए प्लस बी, लेकिन जब आप लैब गए तो लैब में जाकर आपने क्या देखा कि कोई भी और गेट दो इनपुट का है ही नहीं, सारे के सारे किसके हैं, थ्री इनपुट्स के। तो आपको चूंकि ए प्लस बी करना था, तो हम कल से डिस्कस कर रहे हैं, आपको पहले से भी पता है कि प्लस में क्या प्लस करना चाहिए कि मीनिंग चेंज ना हो, जीरो। तो ए प्लस बी प्लस जीरो आंसर क्या आ जाएगा, ए प्लस बी, दैट मीन्स यहां पर आपको अनयूज्ड इनपुट क्या देना चाहिए, जीरो देना चाहिए। क्लियर है अच्छे से। एंड गेट में चूंकि मल्टीप्लाई करना था तो आपको अनयूज्ड इनपुट क्या करना चाहिए था, वन, क्योंकि वन को मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सिमिलरली जीरो को एड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छे से क्लियर हो गया सबका। नाउ लास्ट जो हमने एंड गेट में पढ़ा था वो स्टडी किया था कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यहां पर भी हमें देखना है कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एक बार सोच के देखो क्या हमें वाकई में देखने की जरूरत है।
एंड गेट में कम्यूटेटिव का मतलब क्या था कि चाहे आप एबीसी करो, चाहे बीसीए करो, चाहे सीबीए करो, 2 × 3 × 4 करो, 4 × 3 × 2 करो, मीनिंग क्या होती है, सेम। तो वो तो एडिशन में भी सेम होती है, चाहे आप 2 + 3 + 4 करो, चाहे 4 + 3 + 2 करो, तो आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी a + b + c करो, चाहे c + b + a करो, मीनिंग क्या रहेगी आपकी, सेम। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपकी डायरेक्टली आप नोट कर सकते हो कि और में आपकी क्या होगी, सेटिस्फाई। एसोसिएटिव का क्या मतलब था कि अगर आपको a + b + c करना है तो आप a + b + c एक साथ कर लो, या पहले a + b कर लो फिर + c कर लो, तब भी तो मीनिंग क्या होगी आपकी, सेम ही होगी। तो और में भी आपका कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव बोथ प्रॉपर्टीज आपकी क्या होंगी, सेटिस्फाई होंगी, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बोला था कि एंड एक बार अगर आपने पढ़ लिया तो और आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट जो लॉजिक गेट हमें स्टडी करना है वो है आपका नैंड। नैंड क्या होता है हमारा, नैंड में पहले मैं सिंबल बना देता हूं, ए बी। नैंड में क्या होता है, ए बी का होल बार, मतलब पहले आप एंड कर दो और एंड का होल बार कर दो, ठीक है। ट्रुथ टेबल 0 0 0 1 1 0 1 1, सिंपल ट्रुथ टेबल याद करने का तरीका क्या है कि एंड का ट्रुथ टेबल याद रखो, उसका कॉम्प्लीमेंट कर दो। तो 0 × 0 क्या होता था, 0 0 का क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट 1 1 1 फिर 0, ठीक है। तो एंड का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है आपका, नैंड। तो नैंड गेट जो आपने अभी लिखा है ए और बी का क्या होता है आपका, ए बी का होल बार, तो ना आपको इस तरीके से रटना नहीं है। कल को क्या होगा कि बहुत बड़े बड़े इक्वेशन भी आ सकते हैं आपके, ठीक है, उसका भी आपको नैंड निकालना पड़ सकता है, ठीक है। तो आपको हमेशा बस ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि नैंड का काम क्या होता है। नैंड का काम ये होता है, जितने भी इनपुट दिखेंगे सबको मल्टीप्लाई करके उसका होल बार कर देगा, क्लियर है अच्छे से, जितने इनपुट दिखेंगे सबको मल्टीप्लाई करेगा और होल बार करेगा, ठीक है। और जहां तक क्वेश्चन है नैंड गेट एज अ यूनिवर्सल गेट का, वो एक सेपरेट टॉपिक है, वो मैं आपको अगली क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी जस्ट नैंड गेट का इंट्रोडक्शन मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। नाउ यहां पर एक पॉइंट नैंड गेट में एक्स्ट्रा है एंड और से, वो पहले मैं आपको बता देता हूं। मान लो मैं एक नैंड गेट ले रहा हूं, ठीक है, जहां पर मेरे इनपुट कुछ ऐसे हैं, कुछ इस तरीके के मेरे इनपुट्स हैं। आप देख सकते हो नैंड गेट में इनपुट लगाने के पहले दो बबल लगे हुए हैं, ठीक है, यहां पर आपको अच्छे से विजिबल हो जाएगा, दो आपके बबल लगे हुए हैं, ठीक है। एक बबल तो नैंड गेट में बाहर होता ही है लास्ट में, तो ये बबल्स का मतलब क्या होता है, बार, ठीक है। जिनको नहीं पता है बबल का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट लेना, मतलब यहां पर जो इनपुट्स हैं वो ए और बी अप्लाई नहीं हो रहे हैं नैंड गेट में, यहां पर इनपुट्स अप्लाई हो रहा है ए बार और बी बार, ठीक है। तो इनपुट्स अगर आपका ए बार और बी बार अप्लाई हो रहा है, तो मैंने आपको अभी अभी बोला कि नैंड गेट को रटो मत आउटपुट को, उसको उसके काम से याद रखो। नैंड गेट का काम क्या होता है, जितने इनपुट दिखें सबको मल्टीप्लाई करो और उनका होल बार करो। तो यहां पर इनपुट क्या क्या है, यहां पर इनपुट है ए बार और बी बार, तो आपको क्या करना है, ए बार इंटू बी बार का होल बार, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो इनपुट दिख रहे हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करिए और उनका क्या कर दीजिए, होल बार, कंप्लीट। तो अब अगर आप देखते हो डी मॉर्गन लग जाएगा यहां पर, जब मल्टीप्लीकेशन में डी मॉर्गन हो तो क्या होता है, इंडिविजुअल का बार लेते हो और प्लस करते हो, ऑलरेडी ए का बार है तो बार का बार क्या हो जाएगा, कैंसल, तो ए प्लस बी बार ऑलरेडी है तो बार का बार क्या हो जाएगा, कैंसल, तो आंसर क्या आएगा, ए प्लस बी, ठीक है। तो यहां पर अगर आप ध्यान से समझोगे ना, तो देखो ये जो आपका नैंड गेट हमने बनाया था इसमें इनपुट
लेने से पहले बबल लगे हुए थे, तो इस तरह के नैंड गेट को हम बोलते हैं बबल्ड नैंड गेट। तो आज से आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बबल्ड नैंड गेट क्या होता है आपका? और गेट होता है, ठीक है। बबल्ड नैंड गेट इज इक्वल टू ए प्लस बी, दैट मींस और गेट। क्लियर अच्छे से सबको? नाउ एक और एग्जांपल देखो नैंड गेट में आप लोग। मान लो मैं एक और गेट लेता हूं, ठीक है, ए और बी, और गेट ना, ध्यान रखना, और गेट मैं ले रहा हूं ए और बी। यहां पर भी देखो इनपुट में मैंने बबल लगा दिए, ठीक है। और गेट का काम क्या होता है? जितने इनपुट दिख रहे होते हैं सबको ऐड कर देता है, ठीक है। तो यहां पर इनपुट ए और बी नहीं है, यहां पर इनपुट क्या है? ए बार और बी बार। तो वाई क्या हो जाएगा? ए बार प्लस बी बार। अब अगर यहां पर डी मॉर्गन थ्योरम का यूज किया जाए तो ए बार प्लस बी बार क्या लिख सकते हैं? ए बी का होल बार, ठीक है ना। ए बी का होल बार क्या हो जाएगा? ए बार प्लस बी बार। तो इसका मीनिंग क्या है कि बबल्ड और गेट नैंड गेट के इक्वल है, क्योंकि ए बी का होल बार क्या होता है? नैंड ऑपरेशन। तो बबल्ड और गेट इज इक्वल टू नैंड गेट, बबल्ड नैंड गेट इज इक्वल टू और गेट, मतलब वाइस वर्सा। क्लियर है अच्छे से? तो ये आपका ऑपरेशन होता है नैंड के, जो कि डिफरेंट थे जो हमने एंड और में अभी तक पढ़ा था। अब वापस से वहीं आ जाते हैं जो एंड और में हम लोगों ने स्टडी किया था। तो यहां पर अब आप देखो, हमने क्या चेक किया था? इनेबल डिसेबल। तो अब जिनको क्लियर है वो फटाफट कैलकुलेशन करो इनेबल और डिसेबल का। इनेबल डिसेबल कैलकुलेशन करो सबके सब, बताओ कौन सा इनेबल होगा। आप लोग सिर्फ इनेबल का आंसर बताओ, कंट्रोल जीरो होगा कि कंट्रोल वन होगा? इनेबल। अच्छा, एक आंसर आया है जीरो पर, और कोई? एक आंसर आया है वन पर, ठीक है। अब मैं बता देता हूं, देखो मैंने आपको क्या बोला इनेबल डिसेबल कैसे चेक करना है। जैसे मान लो आप जीरो वन, ए आपका जीरो भी हो सकता है वन भी हो सकता है, ठीक है। तो कंट्रोल जीरो है पहले फिगर में, तो जीरो और जीरो का नैंड क्या होता है? वन होता है। वन और जीरो का नैंड भी क्या होता है? वन होता है, ठीक है। अब इसको देखो नीचे वाले को, जब ए जीरो होगा तो जीरो और वन, जीरो और वन का नैंड क्या होता है? वन। जब ए वन होगा तो वन और वन का नैंड क्या होता है? जीरो। तो अब आप क्लियरली समझ सकते हो जो मैंने आपको समझाया था कि आपको वर्टिकली देखना है। तो जब आप कंट्रोल जीरो की बात करते हो तो वन वन चेंज नहीं हो रहा है आउटपुट, लेकिन कंट्रोल वन की बात करते हो तो वन जीरो आउटपुट आपका क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि किस इनपुट के लिए क्या आउटपुट आ रहा है ये नहीं देखना है, सिर्फ ये देखना है कि इनपुट को चेंज करने से आउटपुट चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, बस। अगर आउटपुट सेम आ रहा है तो डिसेबल, आउटपुट डिफरेंट आ रहा है तो इनेबल, दैट्स इट, ठीक है। क्लियर है अच्छे से? और यहां पर बबल डैंड का नहीं निकालना है ना, वो एक सेपरेट हो गया, आपको सिर्फ नॉर्मल नैंड गेट का निकालना था। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट होता है आपका अनयूज्ड इनपुट। सबके सब बताओ अनयूज्ड इनपुट क्या होना चाहिए, जो अभी तक आप लोग सीखे हो उस कंसेप्ट से। अनयूज्ड इनपुट, अनयूज्ड इनपुट, ठीक है। एक स्टूडेंट ने बबल नैंड का निकाला था, कोई इश्यू नहीं है, मेन है कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया, बट्स इट्स ओके। अनयूज्ड इनपुट आप बताओ क्या होना चाहिए, अनयूज्ड इनपुट। दो बार बता चुका हूं मैं आपको, एंड के केस में भी बता चुका हूं और के केस में भी बता चुका हूं, क्या होगा अनयूज्ड इनपुट? ठीक है, एक आंसर आया है। अगर हम यहां पर ध्यान से देखें अनयूज्ड इनपुट का कंसेप्ट क्या है आपका,
ए बी और आपको मान लो आप लैब जा रहे हो और आपको ए और बी दो वेरिएबल हैं और ए बी का होल बार आपको करना था, ठीक है। पर जब आप लैब गए तो कोई भी नैंड गेट दो इनपुट का अवेलेबल नहीं था, सारे के सारे थ्री इनपुट्स के थे, ठीक है। तो क्या करोगे आप सोचो, देखो कंफ्यूजन किस में है, सिर्फ वन या जीरो में है। कुछ स्टूडेंट आंसर वन कर रहे हैं, कुछ जीरो कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप जीरो करते हो, सोच के देखो एक बार, अगर आप जीरो करते हो तो नैंड गेट का मैंने आपको काम क्या सिखाया है, जितने इनपुट रहेंगे सबको मल्टीप्लाई करेगा और होल बार करेगा। तो ए बी जीरो मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, जीरो, और जीरो का बार क्या हो जाएगा, वन। आपको आंसर वन तो नहीं चाहिए ना, आपको आंसर तो ए बी का होल बार चाहिए। और इसकी जगह अगर आप वन करते हो तो क्या होगा, ए बी वन का होल बार, जो कि क्या लिख सकते हो, ए बी का होल बार। तो चाहे होल बार करना हो चाहे ना करना हो, आपको सिर्फ यह सोचना चाहिए था कि सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई तो पहले करोगे ही ना, तो मल्टीप्लाई जब भी करो हमेशा किससे करना है, वन से। तो जो एंड का अनयूज था वही किसका अनयूज होगा, नैंड का। और अभी तक अगर आप लोगों ने एक चीज ऑब्जर्व की होगी तो जो भी आपका इनेबल होता है वही आपका अनयूज भी होता है। आप चेक कर लो, एंड में आपका इनेबल था वन, अनयूज भी था वन, और में इनेबल जीरो था, अनयूज भी जीरो था, नैंड में इनेबल वन था, अनयूज भी वन है, ठीक है। तो जो इनेबल होगा वही अनयूज्ड है, क्लियर, ध्यान रखना है आपको। नाउ नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं यहां पर, नेक्स्ट है आपका कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जब मैंने आपको एंड और गेट पढ़ाया होगा तो आप सोच रहे होंगे हर गेट सेटिस्फाई करेगा कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव, हम पढ़ ही क्यों रहे हैं। लेकिन अब आप यहां पर देखोगे नैंड गेट में आपका सेटिस्फाई नहीं करेगा, देखो ध्यान से। अगर आप नैंड गेट में बात करते हो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या था कि ऑर्डर चेंज कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल सही है, यहां पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ए बी सी का होल बार करो या बी सी ए का होल बार कर लो, वो भी आपका ए बी सी का ही होल बार हो जाएगा। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपकी नैंड में सेटिस्फाई होती है। मेन जो है ना एसोसिएटिव, उसको अब आप बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक है। एसोसिएटिव को बिल्कुल आप ध्यान से देखो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। देखो एसोसिएटिव मैंने आपको क्या बोला था कि आप ए बी सी को चाहो तो एक साथ कर लो, तो ए बी सी का होल बार, या आप पहले ए और बी को कर लो और उसके आउटपुट को सी के साथ करो। तो जब इसके आउटपुट को वापस से सी के साथ नैंड करोगे, तो मैंने आपको नैंड गेट का काम क्या सिखाया है, नैंड गेट का मैंने आपको काम सिखाया है कि नैंड गेट में जब भी आपको इनपुट्स मिले तो उन इनपुट्स को आप क्या कर दो, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। उन इनपुट्स को पहले मल्टीप्लाई करो फिर क्या कर दो, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो यहां पर आप देखो एक इनपुट है ए बी का बार, एक इनपुट है सी, तो उनको आप पहले मल्टीप्लाई करोगे फिर क्या करोगे, कॉम्प्लीमेंट। तो क्या ए बी का बार इंटू सी का बार ए बी सी के होल बार के इक्वल है, बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब क्या है कि यहां पर आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी। क्लियर है सबको अच्छे से कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्यों सेटिस्फाई नहीं हो रही, क्योंकि आपका एक बार है, इस बार के कारण सेटिस्फाई नहीं हो पा रही है। सबको क्लियर, ओके। नाउ नेक्स्ट गेट और आज की क्लास का लास्ट गेट, नॉर गेट, ठीक है। बस नॉर गेट स्टडी करेंगे, जस्ट 5 to 6 minutes लगेंगे क्योंकि बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। तो अब देख लो नॉर गेट, नॉर गेट क्या होगा, जस्ट आपका और का बार। तो सिंपली अगर दो इनपुट की बात करूं तो ए प्लस बी का बार, ठीक है। तो यहां पर भी आपको ना थ्योरी के फॉर्म में याद रखना है, कल को जितना भी बड़ा इक्वेशन आए आपको क्या ध्यान रखना है,
जितने इनपुट हैं सबको ऐड कर दो और होल बार कर दो, ठीक है। और यहां पर आपका जो ट्रुथ टेबल होता है, जस्ट आपको और का ट्रुथ टेबल पता होना चाहिए, उसका कॉम्प्लीमेंट कर दो। और का ट्रुथ टेबल क्या होता है, जीरो जीरो पर क्या मिलता है, जीरो, तो यहां मिल जाएगा वन। और में जीरो वन पे क्या मिलता है, वन, तो यहां जीरो। वन जीरो पे वन मिलता है तो जीरो, वन वन पे वन मिलता है तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो काफी इजी है, आप बड़े आराम से कर सकते हो। नाउ यहां पर भी सेम कंसेप्ट जो हमने वहां स्टडी किया था, यहां पर अगर आप देखते हो, अगर मैं सामने बबल लगा दूं, नॉर गेट के सामने इनपुट्स में अगर बबल लगा दूं, तो नॉर गेट का काम क्या होता है, जितने भी इनपुट्स हैं सबको ऐड करके होल बार करना। तो क्या आ जाएगा आंसर आपका, पहले ऐड करो इनपुट क्या क्या हैं, ए बार और बी बार, तो ए बार प्लस बी बार का होल बार। तो यहां पर अब अगर आप डी मॉर्गन्स थ्योरम लगा दो, क्योंकि प्लस है बीच में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और इंडिविजुअल का क्या हो जाएगा, बार। तो क्या हो जाएगा, ए इंटू बी, ए बार का बार ए, बी बार का बार बी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए इंटू बी, ठीक है। तो बस मैं यहां पर यही प्रूफ करना चाह रहा था कि जो आपका बबल्ड नॉर गेट है वो एंड गेट के इक्वल होता है, ठीक है। जैसे आपका बबल्ड नैंड गेट और गेट के इक्वल था, वैसे ही बबल्ड नॉर गेट एंड गेट के इक्वल होगा। सिमिलरली अगर आप बबल्ड एंड गेट ले लो, अगर आप बबल्ड एंड गेट ले लो तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, देखो एंड गेट का काम क्या होता है, दो इनपुट को मल्टीप्लाई करना, तो ए बार इंटू बी बार, तो कितना हो जाएगा आपका, देख लो आप, ए बार इंटू बी बार को आप डी मॉर्गन से क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी का होल बार। तो इसका मतलब क्या है, बबल नॉर गेट एंड गेट के इक्वल, और बबल एंड गेट जो होगा वो नॉर गेट के इक्वल हो जाएगा। सबको क्लियर है, बिल्कुल सेम कंसेप्ट है जैसा आपने नैंड में स्टडी किया है, कुछ भी चेंजेस नहीं है, क्लियर सबको अच्छे से। नाउ नेक्स्ट जो हमने कंसेप्ट पढ़ा था इनेबल और डिसेबल का, ठीक है। तो इनेबल और डिसेबल आप लोग कर लेना खुद से, होमवर्क है आप लोगों के लिए। अगर किसी को डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछ लेना, और अगर किसी का क्लास एंड होने तक आंसर आ जाता है तो वो कमेंट सेक्शन में पोस्ट भी कर सकता है, ठीक है। इनेबल डिसेबल, अनयूज्ड इनपुट आपको क्लियर ही हो चुका होगा कि और गेट का मतलब क्या होता है, ऐड करना। तो अनयूज्ड इनपुट आपका क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक है ना। और अब तो आपको आंसर भी समझ में आ गया होगा, मैंने आपको ट्रिक बता दी है कि जो अनयूज्ड होगा वही क्या होगा, इनेबल होगा, तो जीरो ही आएगा इनेबल, ठीक है। आप ट्राई कर सकते हो, कहीं डाउट हो तो पूछ भी सकते हो, कोई इशू नहीं, ठीक है। इसके अलावा कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव, अगर आप बात करते हो कम्यूटेटिव की, तो कम्यूटेटिव में क्या है कि ऑर्डर चेंज कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो नॉर गेट भी आपका सेटिस्फाई करेगा। आप ऑर्डर चेंज कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम रहेगा। तो नैंड गेट भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है और आपका नॉर गेट भी करता है, लेकिन दोनों के दोनों ही एसोसिएटिव सेटिस्फाई नहीं करेंगे ड्यू टू द बार, जैसे कि स्टूडेंट ने कमेंट भी किया है, ठीक है ना। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है आपकी, कि आप ए बी सी को एक साथ लिख दो, या पहले आप क्या कर दो ए और बी, तो ए प्लस बी का बार, फिर अगर आप सी से करते हो तो नॉर गेट का काम क्या होता है, जितने भी इनपुट होंगे सबको ऐड करके होल बार करना। तो ए प्लस बी का बार, एक इनपुट है सी, तो प्लस सी का होल बार, ठीक है। तो आप देख सकते हो ए प्लस बी प्लस सी का बार इक्वल नहीं है इसके, ठीक है, क्लियर है अच्छे से। तो एक बात आप लोग ऑब्जर्व किए होंगे, ये स्पेशली नैंड गेट और नॉर गेट में, कि अगर आप ऐसे रट लेते हो ना
कि ए बी सी का होल बार या ए प्लस बी प्लस सी का होल बार, तो लॉन्ग इक्वेशन में आपको प्रॉब्लम आती है। अगर आप रटोगे नहीं, नॉर्मल सा थ्योरिकल फॉर्म में माइंड में रखोगे, तो देखो कितना आसान था हमारे लिए, ए प्लस बी का बार और सी था, हमें सिर्फ क्या पता था नॉर गेट में क्या करना है, जितने इनपुट हैं सबको ऐड करके होल बार करना है। तो चाहे ये इक्वेशन कितना भी बड़ा हो, हम वरी करेंगे ही नहीं, हम सीधा एक इनपुट लिख देंगे, दूसरा इनपुट लिख देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे और होल बार कर देंगे। तो हमेशा जितना भी चीजों को आप थ्योरी के फॉर्म में माइंड में रखो, उतना आपके लिए बेनिफिशियल होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में यही स्टॉप कर रहा हूं। अगली क्लास में हम लोग अब एक्सॉर और एक्सनॉर गेट पढ़ेंगे, और साथ ही साथ नैंड गेट और नॉर गेट एज अ यूनिवर्सल गेट भी स्टडी करेंगे। ठीक है।